लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव लाइविंग प्लेटफॉर्म तो मेरे प्यारे बच्चों दिल के सचो अगर आप लोग अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया की ये सुंदर सी शक्ल देख पा रहे हैं और ये सुरीली सी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बॉक्स में एक बार बहुत रहे हो भाई तुम बहुत रहे हो क्या बात है बॉक्स में एक बार आय की बौछार आई इज अनादर वे टू से आप लोग सुंदर दांत चमक रहे कोलगे हाँ। तो, ये शकल देख सुरीली से सुन तो बॉक्स में एक बार आए कि बहुत दोस्तों क्या बात है बहुत बढ़िया तो क्या है कक्षा दसवीं को चालू करने से पहले कक्षा नवी के है ना और उससे पहले कक्षा आठवीं के सातवीं के बेसिक्स कुछ क्लियर होने चाहिए तभी कक्षा दसवीं थोड़ी समझ में आती है क्योंकि तो जैसे ही पहला चैप्टर हिट करता है और वो आते केमिकल फॉर्मुला भारी भरी के वो नवी में तो पढ़े ही नहीं थे यार फिर फिर वो बैलेंसिंग में आते हैं फिर आगे इक्वेशंस में आते हैं तो बच्चे रटते जाते हैं तो उन सारी बीमारियों को सारे दर्दों को दूर करने के लिए आज हम सारी चीजें बेसिक से पढ़ेंगे क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर भैया भी यहां खड़े हैं तो आपको भी पढ़ना है ठीक है चालू करें ठीक है भैया चालू कर दो तो क्या पढ़ेंगे आज की कक्षा में आज की कक्षा में सबसे पहले चर्चा होगी इंट्रोडक्शन टू एटम एंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में एटम का था यह क्या ए टोम ना वो सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे यहां पे बोर्ड ब्यूरी रूल या स्कीम की क्या दोनों ने साथ में मिल बैठ के दी थी ये सारे मिसकसेप्शन दूर करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों किस चीज की वैलेंसी और उसकी कैलकुलेशन की उसके बाद एलिमेंट्स एंड उनका रिलेशनशिप विद मॉलिक्यूल्स फिर चर्चा करेंगे दोस्तों और उसके टाइप्स की फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कंपाउंड्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मॉलिक्यूल्स की एंड सबसे आखिरी में हम लोग बनाएंगे फार्मूले फार्मूले बना देंगे सभी के तो मजा आ जाएगा ठीक है एक बच्चा आर एन केर सर ब्रेक बेटा अभी सेशन चालू हुए दो मिनट हुए तुमको बीरेक चाहिए जितनी देर का तो सेशन नहीं हुआ उतनी देर का तुमको बीरेक चाहिए अरे बेटा जीवन में बीरेक लग जाएगा सीधा चलेगी नहीं गाड़ी समझ रहे हो बीरेक चलो आ जाओ दोस्तों टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को बचाएंगे बिकॉज़ वक्त ही पैसा है टाइम इज मनी तो वक्त को बचाते हैं आपके और मेरे फटाफट से टॉपिक पे आते हैं इंट्रोडक्शन टू एटम एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अब ये एटम क्या है क्या ये अ प्लस टॉम टॉम के साथ वाला है क्या इस प्लस टॉम एक टॉम नहीं दोस्तों तो फिर ये क्या है क्या है क्या है सर आपका नाम आपका नाम है हमारा नाम है सुनील भैया बच्चे प्यार से भैया लगा देते हैं तो सुनील भैया बन जाता है सुनील का मतलब होता है डार्क ब्लू यानी भगवान श्री कृष्ण का जो कलर है भगवान श्री राम का जो कलर है वही कलर हमारा है तो नाम भी वही डिफाइन करता है ठीक है प्यारे बच्चों चलिए चालू करते हैं इसको अब देखो पहले तुम्हारा तो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है ये टम ये टम क्या है ये ए टम ए टम क्या है ये एक्सप्रेशन होता है इसको अभी बढ़िया कर देंगे तुमको दिक्कत नहीं आने देंगे तुमको डर लगता है एटम, एटम क्या सुनील भी है एटम, एटम अभी एटम एटम सही करते हैं चलो आओ, एटम एटम क्या है इसको सही करते हैं आ जाओ सबसे पहले इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोज व्हिच मींस अनकटेबल स्लैश इनडिविजिबल अब देखिए इसको किसने दिया था क्या मतलब है इसको समझते हैं इस शब्द का जो निर्माण है यानी ये जो शब्द दिया गया ये दिया डेमोक्रेटिस जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे है ना इन्होंने अराउंड 400 हंड्रेड क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पूर्व इस चीज को दिया ग्रीक फिलोसोफर का मतलब क्या है भैया सिर्फ़ फिलोसॉफी झाड़ रहे इनके पास कोई भी तथ्य नहीं है कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है बस बोल दिया होता है तो होता है बस कोई दिक्कत नहीं है तो डेमोक्रेटिस जो महाराज थे हमारे यानी जो ग्रीक फिलोसोफर थे इन्होंने क्या बोला दोस्तों 400 सौ बीसी के अराउंड पे इन्होंने बोला कि संसार में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं उनमें एक चीज है और वो चीज क्या है उसका नाम है एटमोज वो सबसे छोटा पार्टिकल है और वो इतना छोटा है कि उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता यानी उस पार्टिकल को ना तो आप काट सकते हैं और उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर डिवाइड मतलब उसके अंदर कुछ और नहीं हो सकता उस सबसे छोटा वही है सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटमोज है यानी कि जो आपकी ओरिजिनल डेफिनेशन जो एटम क्या एटम शब्द दिया था डेल्टन ने लेकिन इसका ओरिजिनल यानी जहां से ये लिया गया वो डेमोक्रेटिस की बात है ठीक है तो डेमोक्रेटिस महाराज ने क्या किया ये दिया एटमोस शब्द है ना और डेल्टन ने यहां से शब्द को चुरा। ये, ये ये जो शब्द है गिवन बाय डेल्टन ठीक है ना बेटा गिवन बाय डेल्टन तो ये डेल्टन महाराज थे उन्होंने यह शब्द लिया और कहां से डेमोक्रेटिस से इंस्पायर होके ठीक है चले चलिए तो ग्रीक वर्ड एटमोज जिसका मतलब होता है अनकटेबल या बेसिकली इनडिविजिबल जिसको दिया था डेमोक्रेटिस ने अराउंड 400 हंड्रेड बीसी अगर आपको गर्व महसूस करना है तो आपको गर्व महसूस कराने वाली एक बात बता देते हैं एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज आपको बता देते हैं ये सेम कंसेप्ट सेम कंसेप्ट ये सेम कंसेप्ट जो है हमारे एक इंडियन ऋषि ने दिया था एक इंडियन ऋषि ने दिया था ठीक है ना एक इंडियन ऋषि जिनका नाम था याद रखिए और गर्व महसूस करिए कि आप भारतीय हैं बेटा महर्षि कनड ने इसका वर्णन किया था अराउंड 600 सौ बीसी में सेम कंसेप्ट उन्होंने एटमोस शब्द नहीं यूज किया कंसेप्ट सेम ही था जैसे उन्होंने बोला कि कोई भी पदार्थ यानी जो मैटर आप बोलते हैं पदार्थ आसपास में जो चीजें हैं उसकी सबसे छोटी जो चीज होगी यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो परमाणु होगा क्या होगा परमाणु होगा ये महर्षि कन्नड ने बोला था ये सेम कंसेप्ट ये सेम कंसेप्ट ऐसा ही सेम कंसेप्ट डेमोक्रेटिस ने 400 बीसी में दिया ये कंसेप्ट कब दिया देखो ये कंसेप्ट दिया 400 हंड्रेड बीसी में ये दिया 600 हंड्रेड बीसी में क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले भारतीयों ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया डेल्टन महाराज ने यहां से चुराया कोई दिक्कत नहीं है क्रेडिट मिला डेमोक्रेटिस को हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सत्य क्या है सत्य को कोई हरा नहीं सकता सत्य तो यही है भैया कि सबसे पहले महर्षि कनड ने परमाणु यानी एटम की चर्चा करी थी तो ये चर्चा गलत है जो ये चर्चा है ना कि इनडिविजिबल है अनकटेबल है ये गलत है कैसे मैं भी बताऊंगा पर मैं आपको पहला कंसेप्ट बताता हूं ये जो नाम एटम है इट वॉज गिवन बाय डेल्टन इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस जिसका मतलब होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल यानी इससे छोटा कुछ और नहीं हो सकता डेमोक्रेटिस ने दिया था सेम कंसेप्ट इंडियन ऋषि महर्षि कनड ने 600 सौ बीसी पे दिया था और उसका नाम एटम नहीं एटमोस नहीं परमाणु रखा था अब एक्चुअल में एटम है क्या वो देख लेते हैं तो एटम मेरे दोस्तों क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल किसी सब्सटेंस का जो दैट मे और मे नॉट बी ऑफ दैट मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ द फ्री एग्जिस्टेंस ठीक है दैट मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ द फ्री एग्जिस्टेंस इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली आपका फ्री भी रह सकता है और ये बेसिकली आपका कंबाइंड फॉर्मेट में भी रह सकता है फ्री और कंबाइंड का मतलब क्या है एटम अकेले भी रह सकते हैं एटम अकेले जैसे कि मान लीजिए नोबल गैसेस के जो एटम है ये हीलियम, हीलियम, <laughs> अकेले भी रह सकते हैं और कंबाइंड भी रह सकते हैं कंबाइंड का मतलब जैसे क्या हो गया ये ऐसे कंबाइन कर जाएंगे आपस में ये ऐसे कंबाइन कर जाएंगे आपस में ठीक है तो कुछ इस प्रकार भी ये लोग रह सकते हैं तो एटम्स कैन स्टे अकेला कोई दिक्कत नहीं मेरे को अकेला रहने के लिए तैयार में। में हूं और तो इंफॉर्मेशन है तुमको एटम की बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए ये जो महाराज यहां बात बोल रहे हैं ना इंडिविजुअल की उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता अरे भाई गलत बोल रहे हो ठीक है चलिए आगे चले आगे चलते हैं आप देखो यहां पे स्टार्ट करते हैं बोहर्स अटोमिक मॉडल से ठीक है मैं एटम को थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बोहर्स मॉडल पर थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूं एक रफ गोथ्रू हम यहां पर करेंगे चीजों का तो ज्यादा अच्छा यानी ज्यादा बढ़िया मजा हमें यहां पर आएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं तो भाई हमारे जो यहां पे बोहर महाराज थे उन्होंने एटम को कैसे इमेजिन किया वो समझते हैं सबसे पहले हमारे जो कोर्स में आता भाई थॉमसन का फिर रदरफोर्ड का फिर बोर्स का तभी हम बोर्स वाले पे चलते हैं कि उन्होंने क्या सोचा क्या मतलब था और क्या थॉट प्रोसेस था उसको समझते हैं तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझो है ना कि जैसे हमारे ब्रह्मांड में बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ क्या है प्लेनेट घूमते हैं ठीक है ये सेम एनालॉजी रदरफोर्ड ने भी लगाई थी अपने अटोमिक मॉडल में उसी थोड़ी सी सेम एनालॉजी को यूज करते हुए यहां पे इसको भी समझते हैं थोड़ा सा तो ये जो बीच में जो पार्ट है दोस्तों ये जो बीच में सेंट्रल पार्ट है दोस्तों ये जो पार्ट है 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 ये बेसिकली क्या कहलाता है ये ओवरऑल बीच का जो सेंट्रल पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस क्या बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियस ये जो बीच में पार्ट है एटम के ये इमेजिन क्या ये इमेजिन कर रहे कि ऐसा होगा बता नहीं है होगा न्यूक्लियस है ठीक है बहुत बढ़िया और ये जो आपको यहां पे हरे कलर का दिख रहा है बिल्कुल ये जो पार्टिकल दिख रहा है ये आपका यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा है छोटा सा लिखा हुआ है तो इसको मैं काट के यहां पे इसको बड़ा सा लिख देता हूं ये बेसिकली है न्यूट्रॉन क्या नाम है ये न्यूट्रॉन ठीक है और इसी के साथ बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है दोस्तों और इसका नाम यहां पे कैपिटल में लिख देता हूं ये प्रोटॉन थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं प्रोटॉन तो एटम के बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास अवेलेबल है ठीक है अब अपार्ट फ्रॉम द न्यू न्यूक्लियस देर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस के अलावा और न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट पार्टी बीच में तो क्या है न्यूक्लियस इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं अब बाहर ये जो आपकी ऑर्बिट्स है यानी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसमें आपके पास क्या है इसमें आपके पास है इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन है आपके पास क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो थोड़ा सा एक बार फटाफट से समअप अगर करें तो यहां पे प्रोटॉन को मैं क्या लिख रहा हूं ये प्रोटॉन है प्रोटॉन इसको लिख रहा हूं ई e प्लस फिर लिख रहा हूं न्यूट्रॉन को लिख रहा हूं ई e, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को लिख रहा हूं ई माइनस ठीक है अब ये पॉजिटिवली चार्ज है ध्यान से देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसके बाद ये कैसा है न्यूट्रल पार्टिकल अच्छा दोस्तों उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसा है यह है बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल छोटी छोटी बातें हैं हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए हमारे फायदे के लिए हैं उसके बाद यह कहां पे रहता है दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी ये बीच में नहीं है बीच में एटम के न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं बड़ी सरल सी बात मैंने कही ठीक है बहुत सही समझ में आया ये क्या है ये न्यूक्लियस का पार्ट है ठीक है तो अब मुझे बताओ एटम डिविजिबल है कि नहीं है सुनील भैया क्या है ये आपने बताया अगर तो फिर यहां पे डेमोक्रेटिस की बात सही है कि गलत है आप यहां पे बोल रहे हो कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इसका मतलब डेमोक्रेटिस की जो बात थी आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिस ये क्या था आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिस एटम इज इंडिविजिबल ये क्या है ये गलत है आइडिया जो है ना आपका एक बात सही है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप ये जो कह रहे हो ना इनडिविजिबल है ये गलत है रॉन्ग क्यों भाई क्यों रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है क्योंकि आपका एटम जो है फर्दर डिविजिबल है किसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, Electron, proton, में मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जो उसको बनाते हैं उस एटम के अंदर ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स हम लोग कहते हैं इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सो तो एटम डिविजिबल हुआ कि इनडिविजिबल हुआ एटम डिविजिबल हुआ ठीक है ये देखो ये बालक आए कि अरे पुष्पा टू का ट्रेलर रिलीज हो गया बेटा इधर केमिस्ट्री का वर्जन टू पॉइंट चल रहा है इधर तुमको पुष्पा टू नजर आ रही है पढ़ लो नहीं तो पुष्पा टू एग्जाम में नहीं आएगी राइट द स्टोरी ऑफ पुष्पा टू यू विल गेट फाइव मार्क्स मार्क्स ऐसा होगा क्या यू वॉन्ट गेट फाइव मार्क्स इफ यू गेट फाइव मार्क्स प्लीज स्टडी द बेसिक्स प्लीज मास्टर द बेसिक्स मेरे को लगता है वैसे मार्क्स तो फर्क नहीं पड़ता बट अगर नॉलेज होगी तो नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे ठीक है ओ भैया इतने दिल मिल रहे अपन को इतने दिल तो जीवन में ही नहीं मिले रहे यार चलो आगे चलते हैं दोस्तों सरल सी बात है समझ में आया मजा आया आगे चलेंगे मजा आएगा और मजा आएगा दोस्तों चलो अब एक छोटा सा रिविजन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब सबअटोमिक पार्टिकल्स देखिए सब सबअटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी इसका वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी दिस इज नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल एक फनफैक्ट बता देता हूँ न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली हैवियर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन इज स्लाइटली हैवियर देन इज स्लाइटली हैवियर द मास ऑफ प्रोटॉन। एंड इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से तो बहुत बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन तो आसपास में भी नहीं है बेचारा इलेक्ट्रॉन तो आसपास में भी नहीं है तो so, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है अब ऐसा क्यों दिमाग में क्यूरियस क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा कैसे आपने किलोग्राम में तो बराबर लिखा है हां थोड़ा सा ज्यादा होता है अटोमिक मास यूनिट में थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके पीछे कारण क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी फर्दर पार्टिकल से बने हुए हैं देखिए आपने बात करी एटम की तो एटम बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से फर्दर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं अभी अगर सिर्फ फर्दर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी बने हुए हैं क्वार्क और डाउन क्वार्क से तो प्रोटॉन में दो अपक्वार डाउनक्वार होता है इसमें न्यूट्रॉन में दो डाउनक्वार अच्छा तो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। चलो, अब स्टार्ट करेंगे से। ये क्या होता है क्या इसका मतलब है क्या हमारे काम आएगा कितना हमारे काम आएगा इसकी चर्चा को कर लेते हैं ठीक है बहुत बढ़िया तो अटोमिक नंबर Z से चर्चा चालू करते हैं अब ये क्या है ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट वन है और ये कंसेप्ट यहां पे टू होगा C2 C1 ठीक है ये कहता है इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम यानी कितने प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे एक एटम के हमें बता है एटम के बीच में न्यूक्लियस इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं ये तुम्हारा अटोमिक नंबर या फिर जेड से तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे पहली बात तो क्लियर होगी ये बात क्लियर हो गई दूसरी बात एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है देखिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है उस पर कोई चार्ज नहीं है अब कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूं ये इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने बेटा इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही बेटा इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं यानी जितना नेगेटिव चार्ज इसके पास है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके पास है इस वजह से इस पर कोई इल, आ, चार्ज नहीं होता मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है भाई अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्रोटॉन्स है 10 नेगेटिव चार्ज सो 10 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज चार्जो 11 पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल सोडियम एटम की चर्चा करता हूं सोडियम एटम की चर्चा करता हूं सोडियम एटम में ग्यारह प्रोटोन होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ग्यारह हो गया ग्यारह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज ग्यारह हो गया न्यूट्रल हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये है ठीक है भैया दो कंसेप्ट हमारे दिमाग में चल रहे हैं पहला कंसेप्ट मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम यानी जो एटम के जो न्यूक्लियस है जो सेंट्रल पार्ट है इसमें जितने प्रोटॉन होंगे वो अटोमिक नंबर है दूसरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं ठीक है अब तुम्हारे दिमाग में सवाल कूदना चाहिए भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर है तो अटोमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों नहीं हो सकता दिमाग में उठना चाहिए ना सवाल अरे दिमाग में उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए जल्दी से बताओ कि अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स वाई यह दिमाग में अगर सवाल नहीं आ रहा तो दिक्कत है आ रहा है तो बहुत बढ़िया है वाल आना चाहिए कि भैया आपने बोला ऑटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है दूसरी बात आपने कही कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो ऑटोमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर क्यों नहीं हो सकता बताओ जल्दी जल्दी बताएंगे प्यारे प्यारे बच्चे दिल के सच्चे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रिपल्शन बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रिपल्शन ही अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना उनके बीच में हाँ बहुत बढ़िया अब बच्चों ने सही आंसर देना स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम एक केस इमेजिन कर लेते हैं मान लेते हैं कि अटोमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हम कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम मानते हैं कि भैया हमारा अटोमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है मान लिया कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो अब क्या होगा अटोमिक नंबर कंटिन्यूसली चेंज होगा अब आपका दिमाग एकदम झंझाएगा क्यों होगा अगर एटॉमिक नंबर को हम बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर तो एटॉमिक नंबर बार बार चेंज होगा ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए क्योंकि एक, एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन और शेयर करता है वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को बांटता है जो अपन कक्षा दसवीं के कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग तो वो एटम को देता भी है वह एटम को लेता भी है वह एटम को शेयर भी करता है तो मुझे एक सरल सी बात बताओ दोस्तों टॉमिक नंबर बार बार चेंज नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल सोडियम के पास ग्यारह प्रोटोन ग्यारह इलेक्ट्रॉन है स्टेबल होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो अब दस इलेक्ट्रॉन बचे नंबर चेंज होगा ना लेकिन वही अगर वो प्रोटॉन्स के बराबर होगा तो प्रोटॉन्स को वो लेना देना नहीं करेगा सिंपल रिएक्शंस में नहीं देगा लेगा तो अटोमिक नंबर फिक्स्ड रहेगा क्या रहेगा फिक्स्ड रहेगा सो टू कीप अटोमिक नंबर एज अ फिक्स्ड क्वांटिटी एक फिक्स्ड क्वांटिटी रखने के लिए इट इज कंसीडर्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकॉज इन सिंपल रिएक्शंस दे वोंट लीव द न्यूक्लियस अटोमिक नंबर को एक फिक्स्ड क्वांटिटी रखने के लिए उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हम कहेंगे क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन शेयर कर सकता है जिस वजह से अटोमिक नंबर में बदलाव आएगा लेकिन प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बीच में बैठे रहेंगे छोड़ेंगे नहीं सिंपल रिएक्शंस में इस वजह से इस वजह से अटोमिक नंबर फिक्स्ड क्वांटिटी रहेगा समझ गये? समझ गए में आ गई मेरी बात अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है लेकिन अटोमिक नंबर को फिक्स क्वांटिटी रखने के लिए उसको हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर बोला जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कभी नहीं बोला जाएगा समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ आगे मेरी बात समझ में आ आगे मेरी बात समझ में आ आगे मेरी बात चलिए आगे चलते हैं तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या फीचर्स है भैया अटोमिक नंबर के क्या है फीचर भैया नंबर के देखो इट इज ऑलवेज अ होल नंबर क्वांटिटी अब होल नंबर से तुम्हारे दिमाग में आएगा जीरो वन टू थ्री फोर जीरो भी आएगा हाँ यहां पे होल नंबर का मतलब कुछ और है होल नंबर का मतलब है नो फ्रैक्शनल वैल्यू नो फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू यानी कि ऐसे नहीं रहेगा अटोमिक नंबर कि भैया टू पॉइंट फाइव है यह सब गलत है ऐसे नहीं रहेगा हमेशा होल नंबर क्वांटिटी रहेगी कैसे वन रहेगा टू रहेगा थ्री रहेगा इस प्रकार की बात हो रही है ठीक है ये ऐसी बातें कर रहे हैं हम ऐसे रहेगा ऐसे नहीं रहेगा फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू में अटोमिक नंबर आपको या प्रोटोन नंबर कभी नहीं मिलेगा प्रोटोन नंबर भी बोल सकते हैं आप इसको नंबर या बेसिकली आपका प्रोटोन ठीक है दोस्तों समझ में आ गई बात दूसरी बात नो टू एलिमेंट कैन हैव द सेम अटोमिक नंबर कहने का मतलब क्या है अब देखो दो एलिमेंट आ गए मान लो कह रहा हो भैया में कैल्सियम वो कह रहा हो भैया मैं पोटेशियम रहा, मेरा अटोमिक नंबर बीस कह रहा है मेरा भी बीस ऐसे कैसे बीस चलेगा जैसे अपन ट्रेन में जाते जो एक आदमी ना मेरी बर्थ नंबर ये है जो मेरी बर्थ नंबर ये है ऐसे थोड़ी क्या आर एसी वाली थोड़ी सीट चल ऐसा नहीं तो पोटेशियम कह मेरा उन्नीस तो कैल्सियम कह मेरा बीस ठीक है हाइड्रोजन के मेरा एक तो हीलियम का मेरा दो सबका एक यूनिक अटोमिक नंबर होगा अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज रिमेन द सेम एक एलिमेंट का अटोमिक नंबर आप चेंज नहीं कर सकते के केलचें, केलचें, थोड़ी देर हो गया अठारह का हो गया ऐसा नहीं होगा इनकी उम्र थोड़ी बढ़ रही है जो अरे उम्र थोड़ी बढ़ रही है दोस्तों समझ रहे हो तो अटोमिक नंबर एक एलिमेंट का सेम रहेगा दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते हमेशा होल नंबर रहेगा अरे समझ रहे हो ओ बाबू समझ रहे हो कि चेटिंग में ध्यान है तुम्हारा ओ मिस्टर चेटर देखो इधर ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। सबका अटोमिक नंबर समान होगा ये नहीं कि वो क्लोरिन के अंदर कह रहा हूं भैया मैं किलोरी नैया मैं भी किलोरी मैं भैया अठारह भैया मैं सत्रह नहीं सत्रह ही रहेगा जितने आइटम्स होंगे के एलिमेंट नंबर सेम रहेगा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा, आ रहा है अरे भैया इससे सरल क्या पढ़ाएंगे इससे सरल पढ़ाने लगेंगे तो भैया फिर कक्षा एक दो तीन चार पांच पढ़ना पड़ेगा समझ रहे हो इससे सरल क्या ही है बाबू है ना बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है चलो आ जाओ दोस्तों अब देखो यह सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों पहले बीस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए उनका नाम पता होना चाहिए उनका सिंबल पता होना चाहिए जब वो पता होगा फिर उसका एलिमेंट फिर कंपाउंड आयंस ये सब डिकोड करेंगे फिर केमिकल फॉर्मूला और काम खत्म अब देखो पहले बीस एलिमेंट को फटाफट याद करेंगे तो देखो क्या है एक लड़का इसका नाम है हेनरी क्या नाम है दोस्तों हेनरी क्या नाम है दोस्तों हेनरी या तुमको अगर कन्या अच्छी लगती है तो हेलिना है ना या हेमा सबकी पसंद निर्मा, वो, वो ना? हीना नीना वो वाली तुम मान लो जो लड़की का नाम है हीना ठीक है अब अपन गए हीना मैडम क्या कर रही, कर रही है पढ़ाई लिखाई कर ही करी नहीं रही सिर्फ फैशन में उनका दिमाग लगता है अपन क्या पढ़ाई लिखाई कर लो फिर फैशन भी कर लेना क्या दिक्कत वाली बात है फैशन करने को मना थोड़ी है रे दोस्तों करो पढ़ाई लिखाई करो क्यों अंकल मेरे को सब आता है पहले तो अपन गुस्सा है अपन अंकल है ही नहीं तो क्या भैया अपन को सब आता है जो अपन ने एक बेसिक सवाल पूछ दिया इनके भारत का प्रधानमंत्री कौन है जो उन्होंने कह दिया प्रतिभा पाटिल भारत की प्रधानमंत्री है <laughs> तो मैंने कहा कि तो अच्छा, इस तरीके से मैं चीफ मिनिस्टर हूँ ये ना जो कह मेरा तो जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है जो मैंने उनकी माता जी को बोला क्या है? कि इनके बुद्धि बुद्धि में ना कुछ है नहीं जो खाना वाना खिलाओ इनको और पढ़ाई लिखाई कराओ नहीं तो ये आशीर्वाद का आटा लाग घूमती रहेंगी दिन भर ठीक पढ़ाई लिखाई कर ही करी नहीं रही जो के वो फिर क्या करना चाहिए जो क्या वो हम बताते हैं क्या करना चाहिए तो देखो अभी उनको हम क्या बोल बोलने क्या करना चाहिए ध्यान से देखना हे ही ना! हे हीना लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट हे हीना लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट देखो हे हीना लिसन अरे हीना की जगह तो ये तो हेनरी हो गया कोई बात नहीं इसको हीना बना देते हैं इसको हीना बना देंगे ठीक है ये देखो ये हीना बन गई ठीक है हीना तो क्या होगा दोस्तों ये हे हीना हे हीना लीसन बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट ठीक है अरे सुनील भैया इससे क्या होगा अपन उसको कह रहे हैं कि हीना मैडम बीबीसी न्यूज को सुना करो फ्राइडे नाइट को समझ में आई आज फ्राइडे की नाइट है इसलिए सुन लेना ऐसे अपन ने कह दिया जो इससे एलिमेंट का क्या कनेक्शन सुनील भैया देखो एच एच सबसे पहला एलिमेंट अपना हाइड्रोजन दोस्त ये एच ये देखो ये हीना से कौन है बेटा हीलियम एच <laughs> ही ये लिथियम समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों एल आई ये हो गया बेरिलियम ये क्या हो गया दोस्तों बोरोन ये क्या हो गया कार्बन ये क्या हो गया नाइट्रोजन ये क्या हो गया ऑक्सीजन ये क्या हो गया फ्लोरीन और ये क्या हो गया नियोन आप देखो खत्म करो इसका काम इनके अटोमिक नंबर जो है वो अपन सफेद से लिख रहे हैं इसका अटोमिक नंबर एक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिलोरेन फ्लोरीन और नियोन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन याद हुआ कि नहीं हुआ बोले बच्चे लोग सो हे ही न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट अरे बेटा ये तो बाद की ट्रिक है कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने दी एक्टिविटी सीरीज की ट्रिक है ठीक है तो हे हीना लेसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट अब दोस्तों सिंबल क्या हो गया एच एच ई एल आई बी बी सी एन ओ एफ एंड एन ई और ये इनके ऑटोमिक नंबर है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच छह सात आठ पीडब्ल्यू है आपके साथ नौ दस ग्यारह बारह पीडब्ल्यू है सबसे प्यारा तेरह चौदह पंद्रह सोलह पीडब्ल्यू है सबसे बोला सत्रह अठारह उन्नीस बीस पीडब्ल्यू की सबसे कम फीस चलो समझ में आया हाँ <coughs> ये बात क्लियर क्लियर समझ में आ गई बात हाँ जी भैया अब देखो हाँ आम का मौसम आया हाँ आम का मौसम आया लेकिन हीना जो बच्ची है ना बेटा बहुत लालची है हीना कह भैया पढ़ाई तो करूंगी पर मेरे को खाने पीने की चीजें चाहिए ची अपन के तू तो मत पढ़ अपने को क्या करना कि नहीं भैया पढ़ तो लूंगी लेकिन कुछ खाने पीने का सामान चाहिए मेरा क्या चाहिए भैया बताओ क्या चाहिए तुम लाग देंगे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई लिखाई करो क्या वह हाँ हम कहे ओके बताओ क्या नारियल चाहिए ओके अच्छा अब ये क्या है जो हाईलाइटेड पार्ट है मैंगो अच्छा मैंगो इसको खाने के बाद मैंगो मैंगो आलू नारियल मैंगो आलू सलाद पेप्सी ओके पेप्सी चाहिए तुमको ओके पेप्सी भी चाहिए उनको पेप्सी सोडा कोका कोला और काजू कतली ओके दोस्तों दे देंगे पहले तो मन किया कि तुम मत बढ़ो इतना खाना खिला देंगे इतने में कितने बच्चों की फीस हो जाएगी फिर सोचा दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो लड़की ने क्या बोला भैया देखो ये सब दे दो अब देखो इससे क्या आएगा सोडियम का सिंबल होता है एने न्यूट्रियम से आया ना अच्छा उसके बाद ये एम जी मैग्नीशियम एम जी बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया ए एल से एल्यूमिनियम ठीक है इससे आ जाएगा इससे आ जाएगा फास्फोरस ठीक है उसके बाद यहां से आ जाएगा आपके पास सल्फर क्या आ जाएगा दोस्तों सल्फर उसके बाद सी और एल तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्लोरीन क्या आ जाएगा क्लोरीन बेटा मैं प्रोनाउंसिएशन जानबूझ के मजाक में बोलता तो, हूं ऐसे नहीं क्लोरीन जाके बोलने लग जाओ क्लोरीन होता है ठीक है ना क्लोरीन नहीं होता वो तो मजाक मजाक में बोल देते अपन पता लगा बालक जाके बोल रहे मैडम क्लोरीन देना पहली बात तो झेरीली कैसे भैया किलोरीन पोटेशियम और ये सीए से क्या हो जाएगा कैल्शियम ठीक है तो भैया आप देखो नारियल मैंगो आलू सलाद पेप्सी सोडा कोकोला और काजू कतली या फिर ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोकोला और काजू कतली बच्ची लालची है सभी से मांगने लगी अल्लाह वाई गुरु भगवान सबसे मांग रही जीसस क्राइस्ट मम्मी ने पकड़ लिया मम्मी ने बोला ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोकोला और काजू कतली एक्स्ट्रा में बता दिए ट्रिक तो नारियल मैंगो आलू सलाद पेप्सी, सोडा कोकोकोला और काजू कतली अब देखो ऑटोमिक नंबर यहां पे नोट करते जाना इसका अटोमिक नंबर होगा ग्यारह ये हो जाएगा बारह फिर उसके बाद थर्टीन फिर उसके बाद फोर्टीन फिर उसके बाद फिफ्टीन फिर उसके बाद सिक्सटीन सल्फर का सेवनटीन क्लोरीन का एटीन आर्गन का 19 पोटेशियम का और ट्वेंटी कैल्शियम का काम खत्म ठीक है पहले बीस एलिमेंट आप याद कर लीजिए उनके केमिकल सिंबल्स के साथ आपको यह बेसिक इंफॉर्मेशन बता होनी चाहिए आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ रही है ठीक है समझ में आ रही है समझ में आ रही है तो एक बार ट्रिक को रिवाइज कर लें एक बार ट्रिक को रिवाइज कर लें आ जाओ फटाफट से देखो हे लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट तो हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन एच एच ई एल आई बी 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 सी एन ओ एफ एन ई ठीक है ना ये एन ई लिखा हुआ यहां एन ई -E, ठीक है ना नियॉन के लिए एन ई -E. उसके बाद हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम ठीक है आई होप ये स्टार्टिंग के जो टॉप बीस एलिमेंट्स हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं याद हो गए हैं इसे कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है अच्छा इसमें एक चीज और मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूंगा केमिकल सिंबल से रिलेटेड जो आपने सिंबल लिखा हुआ है कुछ बच्चों को लगता है कि ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ठीक है ना तो वो भी मैं आपका दिमाग में एक बार क्लियर पिक्चर दे देता हूं देखिए अगर आपसे कोई बात करता है ऑक्सीजन की ठीक है तो आपके दिमाग में पता क्या आता है कोई बोलता है कि भैया केमिकल सिंबल क्या होगा तो आप ओटू लिख देते हो ओटू केमिकल सिंबल नहीं है इसका अगर मैं यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी मैं मॉलिक्यूल आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या होता है कैसे बनता है तो यहां पे ऑक्सीजन की अगर आपसे कोई चर्चा करता है तो केमिकल सिंबल आप हमेशा ओ लिखेंगे जो आपका पीरियोडिक टेबल पे लिखा होता है एग्जिस्ट ये ओटू की तरह रहता है ऑक्सीजन ये एग्जिस्ट सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल रहेगा एन क्या रहेगा एन वो एग्जिस्ट करता है एज एन टू अगर यही मैं आपसे बात करूं फॉस्फोरस की तो फॉस्फोरस जो फॉस्फोरस होता है उसका सिंबल होगा आपके पास पी लेकिन इट एग्जिस्ट एस P4 ये बेसिक सब मिसकंसेप्शन है दूर कर लेना केमिकल सिंबल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है केमिकल सिंबल जो होगा क्या रिप्रेजेंट करता है हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक एटम ऑफ एलिमेंट को ऑलवेज रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट वो कैसे भी एग्जिस्ट करता हो दो एटम हो चार एटम हो पांच एटम हो लेकिन हमेशा ये वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को ही दिखाएगा जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है टू, लेकिन केमिकल सिंबल ओ होगा नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, टू, केमिकल सिंबल एन होगा फास्फोरस एग्जिस्ट करता है पी फोर सिंबल होगा पी ये याद कर लीजिए किसी भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें एक से ज्यादा एटम हो केमिकल सिंबल वो है जो आप पीरियोडिक टेबल पे देखते हो हमेशा देखना मोनो होंगे यानी एक, एक एक एटम ही होगा ये देखिए कुछ इस प्रकार एक एटम एक एटम एक एटम एक एटम एक एटम, एक एटम, एक एटम इस प्रकार होंगे ठीक है भैया कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दीजिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दीजिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा यहां पे लिखा ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ठीक है इसका केमिकल सिंबल यहां पे मैंने लिखा एट ठीक है और यहां मैंने लिखा बेसिकली सिक्सटीन फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने सिक्सटीन ठीक है ना तो ये एट क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपने लिखा केमिकल सिंबल यहां पे आपने लिखा इसका अटोमिक नंबर ये आप सब नाइन्थ में पढ़ के आए हो दोस्तों फिर भी मैं आपको बता symbol, ये बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है केमिकल सिंबल नीचे ऑटोमिक नंबर ये ऊपर क्या है ऊपर है मास नंबर क्या है दोस्तों मास नंबर ये क्या बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताता है ठीक है तो आपके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है वो ऑटोमिक नंबर बताता है और आपके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो कौन बताता है वो मास नंबर बताता है इस तरीके से आप इसको लिखते हैं तो एक एग्जाम्पल अगर मैं और आपको दूं तो कार्बन के लिए आप कैसे लिखेंगे कार्बन के लिए हो जाएगा ये कार्बन ठीक है अटोमिक नंबर आपके पास छह है तो छह प्रोटॉन्स और मास नंबर बारह है यानी छह न्यूट्रॉन्स भी हैं इसमें अटोमिक नंबर छ होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरिलियम बोरॉन कार्बन छ तो यहां पे अगर बारह लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे 6 होंगे अब क्या ये याद करने भैया इसकी वैसे हम एक ट्रिक बताते हैं लेकिन आपको अभी याद करने की इसकी कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है समझ रहे हो रही बात एग्जाम्पल एक, एक और चलो अब अगर यहां तक समझ में आया तो बॉक्स वो एक बार आए भैया के बौछार से भरना फटाफट से एक बार आए भैया की बौछार जोरदार मारो फटाफट से आए भैया की बौछार मारो कि समझ में आ रहा है कोई भी दिक्कत नहीं आ रही आए भैया इंटू द चैट बॉक्स होना चाहिए बौछार होनी चाहिए आए भैया की फटाफट फटाफट एकदम दौड़ मचा दो एकदम डिफरेंस बिटवीन अटोमिक मास एंड मास नंबर सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो सकता है देखो अटोमिक मास के अंदर आप क्या कंसिडर करते हो मास ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत है अब जो ऑटोमिक मास है आपका वो बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है मास नंबर क्या है इट इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो वो होल नंबर वैल्यू होगी अब ये तो बेटा जिन्होंने डिटेल में, में लेक्चर मेरे से पढ़े डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जब हमने पढ़ा था ऑटोमिक मास रिलेटिव ऑटोमिक मास एंड मास नंबर का एक लेक्चर था उसमें इसके लिए एक लेक्चर हम ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेपरेट सेपरेटली बहुत डिटेल कंटेंट है बहुत मजेदार कंटेंट है कि पहले रिलेटिव ऑटोमिक मास का कंसेप्ट क्यों आया फिर उसमें हाइड्रोजन की स्केल आई क्यों डिस्कार्ड हुई फिर ऑक्सीजन की स्केल क्यों फिर कार्बन की स्केल है क्यों फिर मास आज कैसे हैं फिर हमेशा होल नंबर होगी। उसमें कभी नहीं होगी। मास फ्रैक्शनल हो सकता है तो इतना बेसिक याद रखो ठीक है चलो बोहर ब्यूरी रूल या फिर स्कीम बोहरस ब्यूरी रूल या फिर स्कीम अब लिए एक फनफैक्ट है लोगों को लगता है बोहर और ब्यूरी साथ में बैठ के बना रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था देखिए बोहर महाराज जो थे जो आपके नील्स बोहर थे जो आपके बोहर थे इन्होंने बेसिकली सेकेंड अटोमिक मॉडल दिया था उन्नीस के अंदर सेकेंड अटोमिक मॉडल इन्होंने दिया था नाइनटीन में ऑन इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन्होंने एक मॉडल दिया था सेकेंड एटॉमिक मॉडल ठीक है ना पहला 1913 में दूसरा 1921 में दिया था उन्नीस सौ इक्कीस में ऑटॉपिक मॉडल दिया उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बताया कि वो शेल्स में जो न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स है ना जो ऑर्बिट्स है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहेंगे उसके बारे में बताया अब लकीली क्या हुआ चार्ल्स ब्यूरी जो चार्ल्स ब्यूरी जो थे, थे इन्होंने रिसर्च पेपर जो लिखा एक रिसर्च पेपर लिखा वो बेसिकली किस पे बेचता इस पे बेचता और कितने टाइम के अंदर लिखा आफ्टर थ्री वीक्स इसके आफ्टर तीन हफ्ते के बाद लिखा मतलब ऐसा नहीं कि तीन हफ्ते के बाद मतलब जो रिलीज किया वो इसके जस्ट तीन हफ्ते के बाद रिलीज हुआ ठीक है ना तो इनका आइडिया और इनका आइडिया सेम था तो इसको क्या कर दिया मिक्स कर दिया तो प्रपोज इन ट्वेंटी बाई चार्ल्स ब्यूरी एंड नील्स बोहर मतलब दोनों ने अलग अलग इस आइडिया को रिप्रेजेंट किया बट दैट मीन कि दोनों साथ में बैठ के काम कर रहे थे ऐसा नहीं था ठीक है ये चीज आपको पता होनी चाहिए अब इस चीज में आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से जाने वाला है तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से सुनिएगा बोहर्स ब्यूरी रूल या फिर बोहर्स ब्यूरी स्कीम क्या कहती है ये ठीक है फटाफट से समझते हैं जल्दी जल्दी बोहर्स ब्यूरी रूल या बोहर्स ब्यूरी स्कीम को समझते हैं देखिए अब इसमें कंसेप्ट नंबर वन क्या है यहां लिख देता हूं कंसेप्ट नंबर वन क्या है इसको लिख देता हूं ये क्या बोलता है द मैगजिम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला टू एन का स्क्वायर यानी एक पर्टिकुलर शेल में न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स है उस पर्टिकुलर शेल में जो मैगजम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जाएंगे दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मुला टू एन का स्क्वायर ठीक है अब सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आप इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं दोस्तों आप इसको शेल भी कह सकते हैं और दोस्तों आप इसको एनर्जी लेवल इंडेक्स भी कह सकते हैं ये दोनों बातें ही तीनों बातें ही सही है दूसरा कंसेप्ट टू कंसेप्ट टू ठीक है कंसेप्ट टू क्या कहता है इसको ध्यान से सुनना कंसेप्ट टू क्या कहता है कंसेप्ट टू यहां पे ये कहता है ये वाला कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में जाएंगे दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला टू स्क्वायर मतलब अगर जो शेल है उसकी नंबरिंग मैं चालू करता हूं के एल एम एन ओ पी क्यू यानी अगर ये एन इक्वल टू वन है ये एन इक्वल टू टू है ये एन इक्वल टू थ्री है ये एन इक्वल टू फोर है ये एन इक्वल टू फाइव है ये एन इक्वल टू सिक्स और ये एन इक्वल टू सेवन अपन सात तक का डिस्कशन है और अपन यहां पे जो डिस्कशन करेंगे मेजरली इन चार पे करेंगे ठीक है तो भाई जो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आप कैसे निकालोगे ध्यान से देखो कैसे निकालोगे टू इंटू वन का स्क्वायर करोगे ना देखो टू इंटू वन का स्क्वायर यहां करोगे टू इंटू टू का स्क्वायर टू इंटू थ्री का स्क्वायर टू इंटू फोर का स्क्वायर ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा फोर टू जा 8 टू इलेक्ट्रॉन्स एट इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा नाइन टू जा 18 इलेक्ट्रॉन्स सिक्सटीन टू या थर्टी टू इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएंगे तो ये इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की अकोमोडेट कराने की कैपेसिटी है पहली बात मैंने क्या करी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे न्यूक्लियस के बाद जो शेल्स हैं यानी जिनको हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल इंडेक्स कहते हैं वो दिया जाएगा बाय द फॉर्मुला टू एन स्क्वायर तो अगर आप ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो के वाला जो है उसमें दो एल वाले में आठ एम वाले में अठारह और एम एन वाले में अठारह बत्तीस

वो एलिमेंट के ऊपर एक्सरे को बोमबार्ड कराया बोमबार्ड कराया यानी हिट करवाया अब इन एलिमेंट से दो तरीके की रेडिएशन निकली एक हाई रेडिएशन एक लो रेडिएशन हाई एनर्जी रेडिएशन लो एनर्जी रेडिएशन इन्होंने हाई एनर्जी रेडिएशन का नाम रखा के और लो एनर्जी रेडिएशन का नाम रखा एल अब इसके पीछे उनके दिमाग में एक आइडिया था उन्होंने बोला कि देखो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं लेकिन मेरे से आगे चलने के बाद और समझदार लोग और एडवांस इक्विपमेंट आ सकते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि और हाई रेडिएशन आ जाए मतलब a b c d e f g h i j k ऐसे आ जाए i j तक आ जाए तो उनको वो इज्जत देने के लिए वो स्पेस देने के लिए मैं k से अपना नाम रखना स्टार्ट करता हूं हाई एनर्जी रेडिएशन k लो एनर्जी रेडिएशन l तो जब बोहर नाम रखने आए तो बोहर भी इससे मोटिवेट हुए उन्होंने कहा कि सबसे इनर मोस्ट शेल को मैं k क्यों रखूं भाई ऐसा हो सकता है फ्यूचर के अंदर मान लो और शल्स मिलते हैं मैंने जो शेल रखा उसका नाम रखा k l m n उससे और अंदर शेल्स आएंगे तो उसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे फिर के इस तरीके से उन्होंने नाम से इंफ्लुएंस हुए एक दूसरी थ्योरी है जो कहती है न्यूक्लियस का जो नाम है वो कैरियन है कैरियन का मतलब है के तो कैरियन के केस है यहां पे के एलिमेंट स्टार्ट हुआ ठीक है तो दोनों कारण मैंने आपको बता दी है चलिए अब देखिए कंसेप्ट नंबर तीसरे पे चलते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनर शेल्स कहने का सरल मतलब यह है कि अब यह तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेल्स में अकोमोडेट होंगे कहां से फिलिंग स्टार्ट होगी सबसे अंदर वाले शेल्स यानी जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा वहां से फिलिंग स्टार्ट होगी अब यहां पे एक छोटी चीज और ऑब्जर्व करना यह मान लीजिए अगर आपके पास न्यूक्लियस है ठीक है ये न्यूक्लियस है तो मैं शेल्स को थोड़ा हाफ हाफ शेल्स ही बना रहा हूं जैसे मान लीजिए के है अब जैसे आप ये गए तो ये बेसिकली मान लीजिए एल है ये आपके पास है एम और ये आपके पास है एन ठीक है ठीक है ना तो मैं सिर्फ चार ही बना रहा हूं के एल एम एन ऐसा है अब यहां पे एक छोटी सी चीज आप ऑब्जर्व करना आपको समझ में आएगी द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनर शेल्स क्यों अंदर वाली शेल से क्यों स्टार्ट होगी हम क्यों माने कि अंदर वाली शेल से स्टार्ट होगी अब इसके पीछे का कारण मैं आपको यहां पे बताता हूं इसको आप समझना अब इनमें आप क्या करना इस चीज को आप डिनोट करना ई वन से इसको डिनोट करना ई टू से इसको डिनोट करना ई थ्री से और इसको डिनोट करना ई फोर से ठीक है अब इसके लिए आपको देखिए मैं एक, एक एक्स्ट्रा कंसेट बता रहा हूं यहां पर इसको ध्यान से सुनना वरना आपको रटना ही पड़ रहा है और रट ही रहे आप पर मैं नहीं चाहता कि आप रटे तो इसीलिए मैं आपको कंसेट बता रहा हूं मान लो एक क्लासरूम है यहां पे ये टीचर खड़ा हुआ है ध्यान से सुनना बेटा ये टीचर खड़ा हुआ है और ये है टीचर इसको एक तरीके से मानो तुम न्यूक्लियस ठीक है ये तुम्हारा टीचर है जिसको तुमने बोल दिया कि ये न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है ठीक है ध्यान से सुनना मजा आएगा अब क्लास के अंदर क्या है क्लास के अंदर क्या है यहां पे ये वालो मान लो कि के रो है फिर ये मान लेना एल रो है फिर ये मान लेना एम रो है और फिर ये मान लेना एन रो है सिर्फ बात को ध्यान से सुनना अभी तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि अंदर वाली शेल से फिलिंग क्यों स्टार्ट होती है ठीक है अब यहां मान लो ये दो छात्र बैठे हुए हैं ये एक छात्र बैठा हुआ है ये दूसरा छात्र बैठा हुआ है और मैं इसका कंपैरिजन करा रहा हूं बिल्कुल इस वाले छात्र से जो आखिरी रो में बैठा है अब मेरे को बताओ भाई मेरे को बताओ ये तुम्हारा स्टूडेंट है

ये अगर आपका मान लो इधर जेड है इधर देखो ये जेड है तो इधर भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो दोनों सही है ठीक है मास नंबर ठीक है यहां पे फोकस करना इधर थोड़ा फोकस करना तुमको समझ में आएगा भी मैं क्या बोल रहा हूं तो मान लो जो टीचर के सबसे आगे बैठा है क्या वो ज्यादा हिलता डुलता है नहीं 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 भैया नहीं हिलता डुलता क्यों कभी टीचर चमाट मार देगा पटाक ये ज्यादा हिलेगा डूलेगा नहीं है ना ज्यादा हिलेगा डूलेगा नहीं ये ज्यादा क्या करेगा ज्यादा हिलेगा डूलेगा नहीं जो टीचर के सामने बैठा ज्यादा हिलेगा डूलेगा नहीं तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इनकी जो सबसे आगे बैठे काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इनकी लो होगी और आप इससे कह सकते हैं मोर स्टेबल अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में नहीं जा रहा हूं मोर स्टेबल लेकिन अगर मैं आखिरी वाले बच्चे की बात करूं तो वो क्या कर रहा होगा वो हिलता डुलता है या पीछे किसी को टपली मार दी इसको मार दिया उसको मार दिया भाग रहा दौड़ रहा है इधर उधर रहा दौड़ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है काइनेटिक एनर्जी इसकी हाई होगी अनस्टेबल होगा तो जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा टीचर के पास बैठेगा क्लासरूम समझ रहे हो जितना आप टीचर के पास बैठते हो उतनी मस्ती आप कम करते हो जितना टीचर से दूर बैठते करते हो सेम जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस का पुल बना रहेगा और उसका हिलना डुलना जो उसकी अनस्टेबिलिटी है वो कम रहेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है कम रहेगी लेकिन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा इस संसार में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है इसीलिए सबसे पहले इनर वाले शेल्स फिल होते हैं फिर बाहर वाले शेल्स फिल होंगे ठीक है तो अब यहां पे अगर इसको एनर्जी के टर्म्स में बताना चाहो तो तुम ये भी बता सकते हो एनर्जी के टर्म्स में भी मुझे बता सकते हो कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी एनर्जी किसकी ज्यादा होगी अब ऑब्वियसली जितना दूर जाओगे एनर्जी ज्यादा होती जाएगी है ना ज्यादा होती जाएगी एनर्जी तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अगर बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ती है और एक चीज इन शेल्स के बीच का डिस्टेंस घटता है फिर से रिपीट करूंगा डिस्टेंस बिटवीन शेल्स डिक्रीजेस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं जितना क्लासरूम में तुम टीचर के पास बैठते हो उतने तुम शांत बैठते हो जब टीचर से दूर बैठते हो तो एकदम उपद्रवी हो जाते हो इधर उधर दौड़ रहे हो भाग रहे हो मार रहे हो पकड़ रहे हो है ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है सेम इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए सबसे पहले अंदर वाली शेल्स में बैठता है ताकि स्टेबल हो जाए बाहर वाली शेल्स में स्टेबल नहीं होगा एनर्जी ज्यादा होगी ना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जैसे जैसे हम बात करें तो इस एनर्जी लेवल से इसकी फिर, इसकी फिर इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी दूसरा अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा है एनर्जी बढ़ रही है दूसरा अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस बिटवीन द शेल्स है वो आपका घटता जा रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो अब ये बेसिक सा कंसर्ट था लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एडवांस बना दिया आपके समझने के लिए तो आई होप आपको ये जो सीथरी है ये भी समझ में आ गया ठीक है अब इससे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं अटोमिक नंबर या प्रोटोन नंबर तीन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन है अब देखिए सबसे पहले शेल को लेके आते हैं ठीक है के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी दो इलेक्ट्रॉन्स की है दो इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए मैं अटोमिक नंबर प्रोटोन तीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन होंगे दो इसमें गए एक बचा एक यहां आ जाएगा ड्रॉ करके देखो ये के एल ठीक है ना ये के ये एल यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक दो यहां पे सिर्फ एक काम खत्म ठीक है ठीक है क्या डाउट है भाई क्या डाउट है जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से क्या डाउट है जल्दी से पूछे यहां तक समझ में आ रही है बातें अरे भाई समझ में आ रही है बातें पे एडवांस भी पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक सिर्फ उड़ा के नहीं खत्म कर रहे चाहता तो बॉर ब्यूरी स्कीम किताब जितनी पढ़ा सकता हूं भाई एक स्लाइड में खत्म हो जाएगी एक स्लाइड में खत्म हो जाएगी एक स्लाइड में खत्म हो सकती है ना अपन एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि अपन चाहते तुमको अच्छे से आया कंटेंट

बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया केमिकल बैलेंसिंग बेटा अभी कहाँ आया केमिकल बैलेंसिंग तब आएगा जब तुमको फॉर्मूला बनाना आएगा फॉर्मूला बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है दिल से आपके लिए इज्जत आंसर क्या होगा इसका टू एन स्क्वायर अगला सवाल

तो सबसे पहले फिलिंग कहां पे स्टार्ट होगी सबसे पहले फिलिंग स्टार्ट होगी इसमें ठीक है मोस्ट शेल में अब आगे चलते हैं। यहां पे इसका दूसरा रूल देखते हैं द मोस्ट शेल मोस्ट शेल का अनादर नेम क्या हमारे पास शेल का अनादर हमारे पास वैलेंस शेल या फिर वेलेंस हैव मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स एंड द नेक्स्ट शेल टू इट दैट इज द दैन अल्टीमेट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स कहने का सरल सा तात्पर्य है कोई भी एलिमेंट हो उसके वैलेंस में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और पैन अल्टीमेट शेल यानी जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज वैलेंस इसके जस्ट अंदर वाला अल्टीमेट है वैलेंस में आठ से ज्यादा नहीं होंगे और पैन अल्टीमेट में अठारह से ज्यादा नहीं होंगे सरल सी बात क्या है सरल सी बात क्या है ये मान लो ठीक है और इसके जस्ट अंदर वाला कौन सा हो जाएगा इसके जस्ट अंदर वाला क्या हो जाएगा इसके जस्ट अंदर वाला हो जाएगा पैन अल्टीमेट शेल ठीक है और इसके जस्ट अंदर अगर मान लो कि एक और अंदर मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा और यहां मान लेते हैं न्यूक्लियस है तो ये एंटी पैन अल्टीमेट हो जाएगा पैन अल्टीमेट शेल ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया एक एलिमेंट जिसके तीन शेल्स है अगर उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें एलिमेंट थ्री शेल्स तो क्या होगा ये होगा अब इसको समझना। देखो। सबसे आउटर शेल जो होता है इसको बोलते हैं इसके जस्ट अंदर वाला होता है अल्टीमेट शेल इसके जस्ट अंदर वाला होता है एंटी अल्टीमेट शेल अब यह कहना चाह रहा है कि आपके सबसे बाहर वाले शेल में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और उसके जस्ट अंदर वाले में अठारह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ये हमेशा फिक्स है हमेशा यही रहेगा इसको याद कर लीजिए ठीक है भैया अब फटाफट से यहां पे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्रिप्टन है अटोमिक नंबर प्रोटॉन नंबर छत्तीस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छत्तीस ठीक है बहुत बढ़िया तो यहां पर लिखते हैं के एल एम और एन तो ये हो जाएगा दो ये हो जाएगा आठ ये हो जाएगा अट्ठारह और ये हो जाएगा आठ अब देखिए ये वैलेंस शेल है ठीक है ना और ये बेसिकली क्या है पेन अल्टीमेट शेल है तो ये आपका रूल टू है कि आउटर मोस्ट में आठ से ज्यादा नहीं होंगे और उससे जस्ट पहले वाले में अट्ठारह से ज्यादा नहीं होंगे कोई भी एलिमेंट होगा आप देख लीजिएगा ऐसा ही होगा ये रूल आपको पता होना चाहिए सरल सा रूल था सरल सा रूल था

लेट्स प्रैक्टिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेन अल्टीमेट शेल ऑफ सिलिकॉन इज सिलिकॉन के पेन अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जल्दी से बताओ आयंस इसके बाद बताया जाएगा आपको आयंस इसके बाद बताया जाएगा आपको जल्दी से फटाफट से बता देंगे फटाफट से बता देंगे फटाफट से बता देंगे जल्दी 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 फटाफट से फटाफट से फटाफट से आंसर देंगे इसका द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिन अल्टीमेट शेल ऑफ सिलिकॉन इज प्यारे बच्चों पैन अल्टीमेट शेल ऑफ सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे देखो सिलिकॉन ये हो जाएगा सिलिकन यानी हो जाएगा एस SI, आई ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अटोमिक नंबर कितना है इसका इसका अटोमिक नंबर कितना है अटोमिक नंबर है आपके पास फोर्टीन ठीक है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा एट और ये हो जाएगा फोर ठीक है टू एट फोर हो जाएगा ठीक है सिलिकन अटोमिक नंबर फोर्टीन टू एट फोर तो यह पेनल्टीमेट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अल्टीमेट शेल खत्म ठीक है और वैलेंस शेल में क्या होंगे वैलेंस शेल में ये चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे चलिए आगे चलते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट रूल अब ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा थोड़ा सा टफ पड़ता है है ना ये वाला रूल थोड़ा टफ पड़ता है और बहुत सारे लोग पढ़ाते भी नहीं है है ना और इस रूल को इग्नोर कर दिया जाता है बट मेरे को लगता है कि मैं आपको बता देता हूं आपको लगे तो आप इसको एब्जॉर्व करिए ठीक है वरना तो आप याद ही कर लेते हैं

लेकिन आठ से ज्यादा तब तक फिल नहीं होंगे जब तक बाहर वाले में दो इलेक्ट्रॉन्स ना हो जैसे अगर तुमने कभी पोटेशियम को एनालाइज किया हो पोटेशियम को एनालाइज किया हो पोटेशियम का अटोमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का अटोमिक नंबर होता है उन्नीस तो अगर इसको एनालाइज किया हो तो ये हो जाएगा के एल एम एन तो ये होता है टू एट एट वन जबकि ये ऐसे भी तो हो सकता था याद करो ये ऐसे भी तो हो सकता था ऐसे हो सकता था ना लेकिन ये गलत है और ये क्या है ये सही है अगर तुम यहां पे टू एंड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो तुम्हें ये पता है ना कि यार सुनील भैया यार ये बताओ एम के अंदर टू एंड स्क्वायर लगा देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन नौवा यहां जाना चाहिए था ना ये इसमें क्यों जा रहा है है ना ये यहां क्यों जा रहा, रहा है यहां पे होना चाहिए था ये गलत है ये सही है ऐसा क्यों कोई चैट बॉक्स में बताएगा ऐसा क्यों हां आज वैलेंसी इसके बाद पढ़ाई जाएगी फिर आयंस पढ़ाए जाएंगे फिर एलिमेंट पढ़ाए जाएंगे है ना सबसे पहले इसमें वैलेंसी वैलेंसी का एलिमेंट एलिमेंट का बाद आयन आयन के बाद कंपाउंड कंपाउंड के बाद केमिकल फॉर्मुला और काम खत्म सेशन ओवर ठीक है सूर्या यू आर गर्ल ये देखो यहां पर ये चल रहा है सूर्या यू आर गर्ल और बॉय अरे भैया पढ़ लो इधर नहीं तो किलोरी ना जाएगा सपने के अंदर कह आई एम गर्ल और बॉय <laughs> तुम तो गए नहीं ऑक्टेट रूल नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 देखो अभी होता क्या है इसके पीछे जो अभी का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा फिर से बता रहा हूं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कक्षा दसवीं तक एप्लीकेबल है ग्यारहवीं बारहवीं में नहीं एप्लीकेबल है ठीक है समझना अब देखो यहां पर इस चीज को ध्यान से समझना जैसे ही एज सुन एज एज सुन एज एम हैज एट इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एम में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे एम के अंदर जैसे ही आठ इलेक्ट्रॉन आएंगे एम एन के ऊपर चला जाएगा कैसे मैंने आपको यह बताया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ता है याद करो मैंने बताया था डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस आपका बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है डिस्टेंस बिटवीन शेल्स घटता है डिस्टेंस बिटवीन शेल्स घटता है यह बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप K के बाद एल एम एन ओ पी ऐसे जा रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है इनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा जैसे ही जैसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एनर्जी लेवल ऑफ एम अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखो अब ये M और एन के बीच का डिस्टेंस बहुत, बहुत, बहुत कम है जैसे जैसे न्यूक्लियस से अपन दूर जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ रहा है और डिस्टेंस बिटवीन द शेल घट रहा है इतना मैंने बताया था अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये एट इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर करता है ये आठवां इलेक्ट्रॉन एम के अंदर एंटर करता है एम की एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ एनर्जी है तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एम के अंदर एंटर करता है एम की एनर्जी बढ़ जाती है और वो एन से ऊपर चला जाएगा ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिस इज फॉर क्लास टेंथ टिल क्लास टेंथ सीनियर ग्रेड में आपका सब्शियल कंसेप्ट आ जाएगा थ्री डी के बेसिस पे बात करेंगे अभी के लिए बिल्कुल सही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आठवां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा इसकी एनर्जी क्या होगी ये एन के ऊपर चला जाएगा कैसे ये एम था, ये था था इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस एम में आया ये एन के ऊपर चला गया तो इसी वजह से अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा अब इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन है ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये एम की जगह एन में जाएगा कहां पे जाएगा एन में जाएगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां क्यों जाएगा ये बोलेगा मुझे न्यूक्लियस के पास जाना है मुझे यहां पे न्यूक्लियस है मुझे न्यूक्लियस के पास रहना है एन लोअर एनर्जी पे है मैं लोअर एनर्जी वाले में जाऊंगा मैं स्टेबल होना चाहता हूं तो वो एम में नहीं एन में जाएगा और ऐसा तब तक होगा जब तक एन ऊपर ना चला जाए अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन गया एन थोड़ा ऊपर चला जाएगा ये ना तो ये अगर ये एम है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये एम है तो ये एन अब यहां चला गया थोड़ा ऊपर चला गया यहां से थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया ये रहा एन अब एक और इलेक्ट्रॉन एन में जाएगा देखो अब कैल्शियम की के अगर मैं बात करता हूं यहां पे कैल्शियम की के अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो कैल्शियम के, के केस में भी यही होने वाला है अटोमिक नंबर बीस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीस क्या होगा एल एम एन दो आठ आठ दो ठीक है तो कैल्शियम के केस में भी यही होगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आपका फिल होगा वो आपका एन में होगा अब जैसे ही बेटा याद करने वाला ही कंसेप्ट है मैंने बोला एम लोअर एनर्जी पे था एन हायर एनर्जी पे था एम के अंदर जैसे ही आठवां इलेक्ट्रॉन आएगा एम एन से ऊपर चला जाएगा अब इलेक्ट्रॉन एन में फिल होंगे कितने इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक दो अब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन फिल हुए, N फिर से ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं एस की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग फिर से कहां से स्टार्ट होगी टू एट नाइन टू फिर से अब इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल होना स्टार्ट होगा तो ये रूल कहता है कि एम की कैपेसिटी भले ही या पेन अल्टीमेट शेल की कैपेसिटी भले ही आठ से ज्यादा हो लेकिन आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तब फिल होंगे इसमें इसमें पेन अल्टीमेट शेल में तब फिल होंगे जब बाहर वाले में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पॉइंट समझ रहे हो भाई पेन अल्टीमेट शेल में आठवें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब फिल होगा जब बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आएगा और बढ़ते जाएंगे फिलिंग स्टार्ट होगी वरना फिलिंग रुक जाएगी तो अब जैसे यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए एन फिर से हाई एनर्जी लेवल पे चला गया तो स्कैंडियम के केस में क्या होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और ये एन हो जाएगा ये नौवा और ये एक दो ये एन है ये एम है अब जो इलेक्ट्रॉन कूदेगा ये नौवा इलेक्ट्रॉन यहीं कूदेगा क्योंकि तो एम फिर से लो एनर्जी लेवल है थोड़ा हाई कंसेप्ट है आई होप समझ में आया होगा रूल को समझ लीजिए रूल को याद रख लीजिए अगर ये नहीं हो रहा तो रूल को याद रख लीजिए भले ही पेन अल्टीमेट शेल की कैपेसिटी आठ से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आठवें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी नौवा दस दसवा ग्यारहवा बारहवा तभी फिल होगा जब उसके पास एन शेल में दो इलेक्ट्रॉनि या आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नॉट एन हर बार एन नहीं होगा लेकिन मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, <coughs> अब इसी बेसिस पे सवाल करेंगे, फिर प्रैक्टिस फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक कर, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद एक ब्रेक ले लेंगे आप लोगों के लिए ठीक है जल्दी फटाफट से इसको करिए जल्दी से करिए इसको सॉल्व च अमंग द फॉलिंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ क्लोरीन जल्दी से बता देंगे फटाफट से बता देंगे ठीक है सो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरिन क्लोरिन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा ठीक है टॉमिक नंबर कितना होता है इसका अटोमिक नंबर कितना है जल्दी से बता देंगे अटोमिक नंबर इसका बेसिकली होता है हमारे पास सत्रह बहुत बढ़िया तो के एल एम ठीक है अब देखो सत्रह इलेक्ट्रॉन होंगे दो आठ सात सत्रह प्रोटोन सत्रह इलेक्ट्रॉन्स दो आठ सात दो आठ सात दो आठ साठ दो आठ और सात ठीक है अब एक बार फटाफट से अगर यहां तक समझ में आ गया तो आए भैया लिख देंगे फटाफट से आए भैया द चैट बॉक्स फटाफट से राइट आए भैया द चैट बॉक्स फटाफट से आए भैया लिख देंगे जल्दी से समझ में आ गया जल्दी से लिख देंगे समझ में आ गया स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉलिड वर्जन होगा आपकी किताब में वर्जन लिखा हुआ है सॉलिड वर्जन को ही स्लेक्ड लाइम कहेंगे स्लेकिंग से बनाया जाता है लेकिन उसकी एक्वस फॉर्म यानी पानी में डिजोल्व करा देंगे तो लाइम वॉश बन जाएगा अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे भैया ठीक है चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा ठीक है वैलेंसी एंड इट्स कैलकुलेशन अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से वैलेंसी क्या होती है बहुत बच्चे रटते हैं वैलेंसी को इसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा वैलेंसी खत्म कर दूंगा ब्रेक दूंगा फिर एलिमेंट आयन कंपाउंड और केमिकल फॉर्मुला खत्म तो वैलेंसी के बारे में यहां पे मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से फटाफट से वैलेंसी के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं अब ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई रटने वाली समझनी है रटनी नहीं है इसको समझना है आइए फटाफट से समझते हैं तो देखिए दो हमारे पास केमिस्ट है कौसिल लुविस तो इसको अप्रोच को बोलते हैं कौसिल लुविस अप्रोच या फिर ऑक्टेट रूल कौसिल लुविस अप्रोच या फिर ऑक्टेट रूल कहते हैं अब क्या होता है ये भैया आ जाओ देखते हैं ध्यान से देखना अब देखो सबसे पहले यहां पे ये जो मालिक है हमारे इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया दे ऑब्जर्व एंड एनालाइज किसको एनालाइज किया दे ऑब्जर्व एंड एनालाइज्ड किस को नोबल गैस को नोबल गैस या फिर बेसिकली इसको बोलते हैं इनट गैस या इसको बोलते हैं रेयर ग्रुप गैस रेयर गैसेस ठीक है तो नोबल और इनर्ट का मतलब है कि यह नोबल का मतलब क्या होता है बहुत जेंटल बहुत अंड्रिएटिव किसी से बात ना करना वाला शांत तो so नोबल या इनर्ट का बेसिकली मतलब हमारे पास क्या है दैट इज द लाइक इसका जो मतलब हो जाएगा दैट इज अनरिएक्टिव इसका मतलब हो जाएगा अनरिएक्टिव और रेयर ग्रुप गैसेस बिकॉज लो कंसेंट्रेशन इन एटमोस्फियर इनकी बहुत लो कंसेंट्रेशन है हमारे पास एटमोस्फियर में इसीलिए रेयर ग्रुप गैसेस भी बोला जाता है जीरो ग्रुप भी कहा जाता है अब इन्होंने ऑब्जर्व किया आपकी नोबल गैसेज है जिनको रेयर गैसेज है ग्रुप गैसेज बोलते ये हैं येरी अब इसको याद करने की भी एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक है वो ट्रिक क्या है हीना नीना और करीना रंगी तो देखो हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन जिनोन, रेडॉन इसको ऑब्जर्व किया अब ऑब्जर्व करके क्या पाया इनको ऑब्जर्व करके क्या पाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व एंड एनालाइज दैट दे डोंट रिएक्ट दे आर अनरिएक्टिव। अब ये अनरिएक्टिव क्यों है ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है क्यों है मैं बताता हूं अब और ने सबसे पहले देखा यार ये नोबल गैसेस 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 जो इनर्ट है रेयर ग्रुप है ये किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करती है क्या कारण है किसी से रिएक्ट नहीं कर रही है वॉट इज द रीजन वाई दे आर नॉट रिएक्टिंग विद एनी सबस्टांस ऐसा क्या है कि ये रिएक्ट नहीं कर रही है ये किसी से भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है क्या रीजन है रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है तो बोले यार रिएक्ट ही नहीं कर रही है अच्छा तो बोले काम करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते वी हैव करतेप्शन एज वेल बट अभी हम अपने सिलेबस पे ओरिएंटेड रहते हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप देखें तो इसको छोड़ के अगर मोशल के के अलावा है तो सबके पास आपके पास आठ इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन्स है तो इन्होंने बोला कि अरे भैया सुनो, सुनो 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 नोबल गैस रियर ग्रुप गैसेस या बेसिकल इनर्ट गैसेस इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका कॉन्फिगरेशन स्टेबल है इनके पास आउटर मोस्ट शेल में अगर आउटर मोस्ट शेल के के अलावा कोई भी एल एम एन ओ पी एनओपी कुछ भी है तो इनको आठ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सबको इनके पास आठ है और सारे के सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम इनके जैसा कॉन्फिगरेशन ले आए यानी आठ इलेक्ट्रॉन्स ले आए ठीक है और अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल क्या है के है आउटर मोस्ट शेल ठीक है ना ठीक है इफ के इज आउटर मोस्ट शेल अगर के आपका आउटर मोस्ट शेल होगा तो फिर तो फिर फिर अगर के आउटर मोस्ट शेल होगा तो टू इलेक्ट्रॉन्स वो पाना चाहेगा एंड इसको बेसिकली ड्युप्लेट रूल कहते हैं क्या कहते हैं ड्युप्लेट रूल और आठ इलेक्ट्रॉन्स पाने के रूल को क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल कहते हैं तो अब ये क्या बताता है ये बताता है कि देखिए नोबल गैसेस रेयर ग्रुप गैसेस या इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती है तो सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ले आए अगर आउटर मोस्ट शेल के है तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो उसके अलावा एल, एल एम एन कोई भी हो तो आठ इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं अब इस दौड़ में वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज यानी छोड़ते हैं गेन करते हैं या बांट लेते हैं इस बेसिस पे इस बेसिस पे इस बेसिस पे इसको वैलेंसी कहते हैं दे हैव टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है अब इसी को उन्होंने एनालाइज किया इसी को एनालाइज किया तो फिर यहां से वैलेंसी का कंसेप्ट आता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटीज का मतलब क्या है एन एटम क्या करता है बेटा आइटम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को लूज गेन या फिर शेयर करता है बात खत्म सिंपल सरल सी बात लूज गेन या फिर शेयर करता है ठीक है सो टू बिकम स्टेबल टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू दीज गैसेस बाय नोबल गैसेस के जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते गेन करते हैं या बांट लेते हैं सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन को लूज गेन और शेयर करेगा ऑफ एन एलिमेंट टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी सबसे आसपास में जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा आसपास में मतलब इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा ये वैलेंसी है अब इसी कैलकुलेशन कैसे होती है अगर आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी एक दो तीन चार हो जाएगी अगर आउटरमोस्ट शेल में पांच छह सात इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी हो जाएगी आठ माइनस पांच आठ माइनस छ आठ माइनस सात यानी हो जाएगी तीन दो एक और वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस क्या हो जाएगी मुझे बताना एक बार अगर मैं आपसे पूछता हूं वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस कितनी होगी नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होगी कोई मेरे को बता सकता है व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस कोई बताएगा नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होगी दोस्तों बिल्कुल सही बात है नोबल गैसेस की जो वैलेंसी होगी बेटा वो जीरो होगी ठीक है ये बात आपको समझनी है उनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी वो हमेशा जीरो होगी बिकॉज़ अरे भाई उन्हीं को तो रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रही ना ना देरी ना लेरी ना शेयर कर रही है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई कितना दिया लिया या शेयर किया वो तो जीरो है वही तो रेफरेंस था हाँ ठीक है तो याद रखना है ये। ठीक है अब देखो मैं ट्रिक से भी बता दूंगा कंसेप्ट से भी तुम्हें पता है ट्रिक भी बता दूंगा अब देखो यहां पर लिखो एक बार अटोमिक नंबर देखो तो बोलो भैया एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पाँच सात, आठ पी डब्ल्यू है आपके साथ उसके बाद नौ दस ग्यारह बारह पी डब्ल्यू है सबसे प्यारा फिर तेरह चौदह पंद्रह सोलह पीडब्ल्यू है सबसे भोला सत्रह अठारह उन्नीस बीस पी डब्ल्यू की सबसे कम फीस अब भैया यहां पे फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वैलेंसी निकाल लेंगे कॉन्फिगरेशन लिखना मैंने आपको सिखा दिया वैलेंसी अब आप निकाल ही लेंगे वैलेंसी आप निकाल ही लेंगे ठीक है वैलेंसी आप निकाल ही लेंगे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एक नोबल गैस आई है भैया हीलियम दो इलेक्ट्रॉन है दो मत लगा देना वैलेंसी जीरो होगी सिमिलरली नियॉन में आठ है जीरो उसके बाद उसके बाद आर्गन आ जाएगा जीरो अब देखो पैटर्न जीरो के बाद बढ़ेगा एक दो तीन चार तक बढ़ेगा फिर घटेगा तीन दो एक फिर आएगा जीरो फिर बढ़ेगा एक दो तीन चार फिर घटेगा तीन दो एक जीरो और उसके बाद वन टू सुनील तो भैया कैलकुलेट करना भी तो सिखाओ कैलकुलेट करना भी सिखाते हैं देखो एक इलेक्ट्रॉन था मैंने आपको बोला एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंसी वही होगी तो ये वैलेंसी नोबल गैसेस की वैलेंसी जीरो अब देखो एक वैलेंसी थी तो एक दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो तीन इलेक्ट्रॉन थे तो तीन चार इलेक्ट्रॉन थे तो चार पांच जब आएगा तो आप इस केस में क्या करोगे आठ माइनस पांच करोगे तो तीन आठ माइनस छ करोगे दो आठ माइनस सात करोगे तो एक नोबल गैसेस की वैलेंसी जीरो ध्यान से सुनो नोबल गैसेस की वैलेंसी जीरो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो है तो दो तीन है तो तीन चार है तो चार पांच है तो आठ माइनस पांच आठ माइनस सात, फिर एक दो तीन चार फिर आएगा फिर, फिर नोबल गैस तो एनी जीरो फिर वन और टू तो एनी वन और टू इस तरीके से हो जाएगी तो यह देखो पैटर्न है वन फिर जीरो बढ़ेगी एक दो तीन चार फिर हो जाएगा तीन दो एक फिर आएगा जीरो वन टू थ्री फोर फिर घटेगा तीन दो एक जीरो वन टू काम खत्म भाई मैंने यह बोला मैंने यह बोला सबसे पहले नोबल गैसेस की वैलेंसी जीरो होगी उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जीरो लिख दी फिर मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंसी हो जाएगी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक वैलेंसी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक वैलेंसी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो वैलेंसी तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन वैलेंसी यहां पर सात आएगा तो आठ माइनस पांच आठ माइनस छह आठ माइनस आती ये वैलेंसी हो गई यही तो लगाया मैंने ठीक है समझ में आया चलो सवाल प्रैक्टिस करो फटाफट से वॉट इज एलिमेंट विद फटाफट से एलिमेंट फटाफट से सारे अप्लाई करने हैं। नंबर टेन किसका होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उस बेसिस पे सारे कंसर्प्ट को एक बार में अप्लाई करना है सिंपल है टोमिक नंबर टेन किसका होता है भाई देखते हैं नंबर टेन किसका होता है देखो नंबर टेन ठीक है ना नंबर टेन होता है, का. ठीक है? क्या है, बेटा? है बेटा आपकी इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है हमारे पास एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मॉलिक्यूल्स इसको स्टार्ट करेंगे फिर आयंस फिर कंपाउंड्स फिर केमिकल फॉर्मुला और ये लेक्चर खत्म अब यहां पे अपन क्या करते हैं यहां पर अपन एक फाइव मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं आप लोग कुछ खा पी के आ जाइए मैं भी कुछ खा पी के आ जाता हूँ फाइव मिनट्स का एक बढ़िया सा ब्रेक लेते हैं ठीक है है ना दो ब्रेक्स होंगे अपने एक ब्रेक यह भी हो गया इसके बाद एलिमेंट आयंस और कंपाउंड पढ़ेंगे उसके बाद फिर केमिकल फॉर्मूला और फिर खत्म ठीक है चलो जल्दी से फटाफट से आ जाओ ब्रेक लेके आते हैं पांच मिनट का ब्रेक है

दोस्तों चालू करें ये देखो इधर बातें बातें चालू कर दी बालक बच्चा लोगों ने सर ब्रेक को सेवन मिनट्स हो गया हाँ यार भैया यार अपन लेट हो गए चलो चालू करते हैं बढ़िया से है ना तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक ओवर <laughs> ये देखो ये देखो ये देखो यहाँ इंस्टा आई डी शेयर हो रही है अरे भैया पढ़ई कर लो यार इंस्टा विंस्टा से क्या होगा दोस्तों पढ़ाई वढ़ाई करो कि मजा आएगा एक्सपेरिमेंट करो कुछ बड़ा करो इंस्टा आई से क्या होने वाला है इतना बड़ा काम करो लोग अपने आप आके ढूंढे ओ भैया ये ये आईडी अच्छी है यार <coughs> इस बंदे को फॉलो करना है ऐसे करो यार मलिक <coughs> चलो आगे चलते हैं बढ़िया अपन तो अपने फेवरेट तो यार भगवान श्री कृष्ण है भगवान श्री राम है अपने फेवरेट वही हैं क्या है बच्चे कह रहे हैं आपकी फेवरेट अपने फेवरेट वही है भैया चलो अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान से सुनना अब जब सबसे पहले तुम प्योर सब्सटेंस को सुनते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है अगर एक नॉन साइंटिफिक इंसान है जो साइंस को नहीं जानता तो वो क्या बोलेगा प्योर वो है जिसमें कोई गंदगी ना हो जिसमें कोई मिलावट ना हो वो प्योर है पर एक साइंस के इंसान के हिसाब से प्योर का मतलब क्या है का मतलब यह होता है जो कि सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो इट इज अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स ठीक है ना सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बनाओ दैट इज यानी ये केमिकली यूनिफॉर्म या केमिकली होमोजीनियस होना चाहिए अब ये केमिकली यूनिफॉर्म केमिकली होमोजीनियस क्या है भैया एक समान उसका जो केमिकल बिल्टअप हो वो केमिकली एक समान हो केमिकल बिल्टअप जो हो वो बेसिकली क्या हो वो बेसिकली आपका एक समान हो ठीक है तो मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि एक प्योर सब्सटेंस का मतलब यह है कि वो सेम टाइप के पार्टिकल से बना है अब यहां पार्टिकल में मैंने ये नहीं बोला कि एटम्स वो आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं सेम टाइप के पार्टिकल से बनाए मतलब कि केमिकली है ऊपर से लेकर नीचे तक केमिकली होमोजीनियस एक समान है तो इसमें दो चीजें आती है आपकी पहला गिरता है एलिमेंट और दूसरा इसमें गिरता है कंपाउंड अब ध्यान से देखो एलिमेंट में अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है जैसे मान लो सेम टाइप के पार्टिकल्स तो ये सेम टाइप के आइटम से मिलकर बनाए है ना सेम टाइप के पार्टिकल सेम टाइप के पार्टिकल सेम टाइप के पार्टिकल्स केमिकली सेम है ठीक है एलिमेंट में यही होगा अभी एलिमेंट को डिटेल में जानेंगे अब यही दोस्तों अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो तुम्हारे दिमाग में पता है क्या आएगा और यार भैया यार यहां पे तो रटना पड़ रहा है क्यों कंपाउंड में मान लो अगर अपन ने लिया एच टू ओ तो एच टू ओ में तो डिफरेंट आइटम्स हो गए डिफरेंट एम्स हो गए डिफरेंट आइटम्स हो गए नॉट केमिकली यूनिफॉर्म अब यहां पे तुमको लगता है कि ये केमिकली एक समान नहीं है नॉट केमिकली होमोजीनियस अब ये तुम्हारा जो कंसेप्ट यहां पर है ये पूरी तरीके से शत प्रतिशत यहां पे गलत है कंसेप्ट पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग में गलत है अब तुमको ये याद लगता है कि अरे प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स है अरे पार्टिकल बोला ना एटम थोड़ी बोला कि सेम टाइप ऑफ एटम होंगे ऐसा बोला क्या कहीं पे नहीं ना भाई इसको ऐसे समझो मेरे प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा है कि प्योर सब्सटेंस वो है जो सेम टाइप के पार्टिकल्स केमिकली यूनिफॉर्म हो केमिकल एलिमेंट में समझ में आया अब कंपाउंड में समझाता हूं देखो कैसे एक्चुअल लॉजिक क्या है मान लो कि एक पानी की बोतल तुमने ली अब उसमें पानी भरा हुआ है ये पानी 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 यहां पे अगर मैं कोई एक पार्टिकल को उठाऊं तो ये भी H2O है दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है यहां पे उठाऊं तो यहां पर भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है यहां पे उठाऊं तो यहां पर भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है क्या यहां पर ऐसा होगा कि दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन हो ऐसा तो नहीं होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये भी केमिकल बिल्टअप क्या है यूनिफॉर्म है एक समान है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स यहां पे वो पार्टिकल क्या है ये ये पार्टिकल पार्टिकल ये पूरा पार्टिकल हो गया तो एक समान है ना ऊपर भी एच टू एच टू एस 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 टू टू एस टू हर जगह एच टू ही है तो प्योर सबस्टांस वो होता है जो सेम टाइप के पार्टिकल से बना हो वो पार्टिकल्स तुम्हारे एटम्स भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं आयंस भी हो सकते हैं दैट इज वो केमिकली यूनिफॉर्म यानी केमिकल बिल्टअप यानी जिससे वो बना हुआ है वो ऊपर से नीचे तक एक समान है एलिमेंट में डिफाइन हो रहा है ये चीज हो रही है कंपाउंड में भी हो रहा है इसको ऐसे मत लेना कि डिफरेंट आइटम्स और डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए ऐसा नहीं है ऊपर से लेके नीचे तक एच टू है दोस्तों हर जगह ये पार्टिकल एच टू एस टू टू सेम है केमिकली होमोजीनियस इसीलिए प्योर सब्सटेंस है ठीक है समझ में आगे बात अब एलिमेंट शब्द के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं एलिमेंट को निपटाते हैं आयन को निपटाते हैं और कंपाउंड को निपटाते हैं जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरा साथ दीजिएगा समझ में आ जाएगा अब एलिमेंट शब्द को सबसे पहले किसने बोला सबसे पहले किसने बात करी रॉबर्ट बॉयल महाराज ने सोलह में इस शब्द का कॉइन किया निर्माण निर्माण किया या इन्वेंशन किया इस शब्द को यूज किया अब इसकी सबसे पहली डेफिनेशन जो आप देखते हैं ये गलत है कैसे गलत है वो बताऊंगा इस डेफिनेशन को सबसे पहले किसने दिया एंटोनिया लॉरेंट लेवियोजर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहे जाते हैं इन्होंने दिया ठीक है ना फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ठीक है एंटोनिया लॉरेंट लेवियोजर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री मालिक ने हमारी क्या डेफिनेशन दी ध्यान से देखिए मालिक ने बोला एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सांस कोई दिक्कत नहीं है प्योर सबस्टांस की सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म है कोई दिक्कत नहीं है गलती क्या कर दी बोल दिया कि नीदर बी ब्रोकन नॉर बी बिल्टअअप फ्रॉम सिंपलर सबस्टिसल और, और केमिकल मैथड कहते हैं एलिमेंट को ना तो आप तोड़ सकते हो ना बना सकते हो यह बात आपने गलत बोल दी आप कह रहे हो कि ना तो आप एलिमेंट का निर्माण कर सकते हो ना आप एलिमेंट को तोड़ सकते हो चाहे कोई फिजिकल मेथड हो चाहे कोई केमिकल मेथड हो आप नहीं कर सकते ये बात आपने गलत बोल दी इतना पार्ट सही है ये यहां से लेकर यहां तक का पार्ट इस डेफिनेशन का सही है प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट या बेसिक फॉर्म एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर भी एलिमेंट्स दो मिल रहे हैं ना जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट मिल रहे हैं तभी तो वाटर बन रहा है बेसिक फॉर्म बोल सकता हूं मैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप कहते हो कि इसको बना नहीं सकते हो तो आप बात ही गलत कर दे रहे हो क्यों क्योंकि ये देखो मान लो कि भैया मैं लेता हूं यूरेनियम ये एलिमेंट है इसका इसका क्या होगा इसका अल्फा डीके होता है क्लास नाइन्थ में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अगर आपने पढ़ा हो तो वहां अल्फा डीके में क्या यूरेनियम टूट रहा है किसमें थोरियम में तो क्या एक एलिमेंट टूट नहीं सकता टूट सकता है क्या दूसरा एलिमेंट बन नहीं सकता बन भी सकता है यह टूट गया और यह बन गया आपकी बात बाय-बाय और अल्फा पार्टिकल निकलेंगे इसके अंदर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स में दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स में दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं तो सबसे सरल बात तो भैया सरल बात तो है लेकिन एलिमेंट क्या है फिर अभी डिफाइन करेंगे अगली स्लाइड पे इतनी बात समझ नहीं एलिमेंट शब्द को कॉइन किसने किया रॉबर्ट बॉयल महाराज ने किया इसका नंबर वन ये हुआ कंसेप्ट कि बेसिक या सिंपलेस्ट फॉर्म है लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि इसको आप तोड़ नहीं सकते या इसको बना नहीं सकते तो आप गलत बात कर रहे हैं ये बात आपको साबित करती है कि यहां पे ऐसा हो सकता है ठीक है ठीक है, आओ अब देखो एनालॉजी देखते हैं थोड़ी सी समझना इसकी ठीक है चले समझे आगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक्सपेरिमेंट की क्लास नहीं है भैया आज आज बेसिक्स करेंगे एक्सपेरिमेंट भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चालू करें गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो तो आप देखो अपने पास क्या है ये अपने पास पी वॉल ऑफ फेम है ठीक है ये अपने पास वॉल ऑफ फेम है अब ये दीवार अपन ने जो लाल दीवार बनाई है कैसे बनाई इसको थोड़ा समझते हैं तो अपन एक बार ऐसे बेटे क्यों भैया बेटे है कोई दिक्कत ही नहीं है यार भैया यार दो बालक आ गए अपने पास क्यों एक सुंदर बालक एक सुंदर कन्या क्यों सुनील भैया बिया के भैया एक लाल दीवार बनानी है जो का बना लो कोई दिक्कत ही नहीं है के भैया यार कैसे मैं मेरे एक लाल ईट लाओ लाल ईट की लाल दीवार बना दो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे कह ओके भैया चलो अब देखो इससे एलिमेंट कैसे समझ में आएगा उन्होंने क्या क्या एक लाल ईट ली सीमेंट लगाया दूसरी लाल ईट सीमेंट लगाया तीसरी लाल ईट चौथी लाल ईट पांचवी छठी सातवीं ऐसे करके इनके ऊपर स्टैक करते गए एक बढ़िया सी लाल कलर की दीवार बना दी लाल ईटों से अब इसको समझना एनोलॉजी को समझना वन रेड ब्रिक आप एक लाल ब्रिक को एनालॉगस लो एक एटम के कि एक एटम है वो ये एक एटम है और जो आपकी वॉल है इसको आप एनालॉगस लो एलिमेंट के तो आप एलिमेंट को नहीं समझा पा रहे क्या अगर आप एलिमेंट को यहां से समझाना चाहो तो आप मिनटों में क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझा सकते हो कि सुनील भैया ने बोला कि अगर सारी लाल कलर की ईंटें हम जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएगी एक दीवार बन जाएगी एक लाल ईट अगर एक, एक एटम के समान है और पूरी दीवार किसके समान होगी एलिमेंट के तो एलिमेंट क्या हुआ सेम तरीके के एटम से बनी हुई चीज जो होगी या एंटिटी जो होगी वो एलिमेंट होगा सिंपल सी बात तो आप यहां लिख सकते हैं एलिमेंट क्या है एलिमेंट एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है और प्योर सब्सटेंस का मतलब जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बनाओ मेड फ्रॉम मेड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या आप यहां पे इन पार्टिकल्स को डिफाइन कर सकते हैं यहां पे वो पार्टिकल्स क्या है यहां पे ये पार्टिकल्स इस केस में पार्टिकल्स क्या है एटम्स हैं काम खत्म समझ में आई तो एलिमेंट क्या है एलिमेंट एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है जो सेम टाइप के एटम्स यानी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है सिंपल सी बात सरल सी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई होप मैं आपको ये सरल सी सिंपल सी बात समझा पाया हूं ठीक है ये देखो ये तो आईपीएल की टीमों की चर्चाएं हो रही है अरे मलिक पढ़ लो इधर ये आईपीएल की तुम्हारी इधर की टीम देखो इधर की ये वाली टीम देखो एलिमेंट में किसकी टीम में हो तुम एलिमेंट की टीम में हो कंपाउंड की टीम में हो है किसकी टीम में हो रहा भैया वो आईपीएल चल रहा अरे आईपीएल छोड़ो ना भैया इधर देखो ना यार दोस्तों यार आर आर राजस्थान रॉयल्स ये देखो टेस्ट चल रहा है क्या हमारा सल्फेट अरे भाई ये सब बता रहा हूं सल्फेट वगैरह ये सब आगे चल के अभी एक क्लियर करूंगा तो सल्फेट बताऊंगा ना एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा एक बार पूरा सेशन देखोगे तो समझ में आएगा ठीक है तो एनालॉजी क्या है एलिमेंट एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है जो तो सेम तरीके के एटम से मिलके बना हुआ है अगर हमने लाल ईटों की दीवार बनाई तो एक लाल ईट हमारी एक एटम है

क्या भैया हम एक काम करते हैं हम तेज बच्चे हैं मैंने कहा तुम क्या करो क्या दो दो ईटो की दीवार लगे दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो मैंने कहा यार ये तेज है यार कुछ आए वो कहो हम भैया तीन तीन की लगाते हैं दीवार देखो पहले आए बालक कह रहे भैया एक लगाते हैं देखो वो ऐसे कह रहे हैं क्या सुनील भैया ये एक आइटम नहीं दूसरा आइटम नहीं तीसरा आइटम नहीं चौथा आइटम नहीं पांचवा आइटम ऐसे लगाएंगे एक एक लगाएंगे एक एक करके लगाएंगे लाल ईटों की दीवार बना दी दूसरा बालक आया क्यों अरे यार भैया यार एक एक के बीच में सीमेंट लगाने में टाइम लग जाता है यार भैया यार जो मैंने कहा तो कह रहा है दो दो को लोड जोड़ते हैं और इनके बीच में अपन सीमेंट लगा देंगे ऐसे ये ऐसे सीमेंट लगा देंगे जल्दी बनेगी एक आया अल्ट्रा प्यरो अल्ट्रा पीरो, ये हमारा बीरो ये कह रहा वो तेज लगाएंगे तीन ईटे लगाएंगे और जल्दी दीवार बनाएंगे अंबुजा सीमेंट से दीवार बनेगी समझ रहे हो क्या वो ठीक है कि यहां पे एक एक एटम जोड़ के दीवार बनाई तो एटम सब में सेम है इसमें भी एटम सेम है इसमें भी एटम सेम है इसमें भी एटम सेम है कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है अब मोनो का मतलब क्या हुआ सिंपल सा मोनो का मतलब हुआ वन यानी एक 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 एटम से मिलकर दीवार बनी अब ऐसे कौन एग्जिस्ट करता है आपके जो मेटल्स होते हैं मेटल्स में जैसे पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम है ना एल्यूमिनियम एटसेट्रा ये सारे के सारे ऐसे मोनो ऑटोमिक रहते हैं मेटल्स और कौन रहते हैं नोबल गैसेस नोबल गैसेस जो थी आपकी कौन सी Helium, neon, argon, krypton, xenon, हीना नीना और करीना का ये भी सब मोनो ऑटोमिक है मेटेलॉइड होते हैं आपके जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दू तो बोरॉन सिलिकन जर्मेनियम है ना एंटीमोनी आर्सेनिक टेलोरियम ये सब तो ये सारे के सारे मोनो मोनोअटोमिक एलिमेंट्स है कैसे हैं मोनो मोनोअटोमिक एलिमेंट्स हैं मतलब सिंगल 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 एटम पर सारे एटम जो है वो सेम होंगे पूरी एंटिटी एलिमेंट कहलाएगी लेकिन अगर अपन ने दो दो एटम जोड़ के दीवार बनाई तो फिर ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं तो oxygen. ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये लोग कैसे टिकेंगे ये ऐसे टिकेंगे तो ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन हो गया नाइट्रोजन हो गया एटसेट्रा ठीक है इनकी बात कर रहे हैं अपन ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं सुनील भैया? O2, 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 O2। डाई ओ एलिमेंट, ट्राई टू एलिमेंट एलिमेंट तीन 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 एग्जाम्पल ओ थ्री तो कैसे ओ थ्री ओ थ्री ओ थ्री ओ थ्री ओ थ्री ओ थ्री ऐसे ठीक है ये हो जाएंगे एटम सारे सेम है ये आपको समझना है अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दो कैटेगरीज में इसको तोड़ देता हूं एक कैटेगरी बनाता हूं मोनो मोनोअटोमिक की और एक कैटेगरी बना देता हूं पॉली पॉलीअटमिक एलिमेंट की ध्यान से देखना एक कैटेगरी मोनो मोनोअटोमिक एलिमेंट की है और एक पॉली पॉलीअटोमिक एलिमेंट की है मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनना पॉली पॉलीअटमिक का मतलब क्या होता है पॉली का मतलब होता है टू और मोर देन टू टू और मोर देन टू अटोमिक का मतलब होता है एटम यानी दो या दो से ज्यादा एटम वाली कैटेगरी पॉलीअटमिक एलिमेंट है मतलब कि आपका ये जो डायटॉमिक है आपका ये जो बेसिकली ट्रायाटोमिक है यानी टेट्रोटोमिक पेंटाटॉमिक ये सारे के सारे पोलिटोमिक कैटेगरी में आएंगे तो एलिमेंट दो प्रकार के दोनोअटोमिक एलिमेंट जिसमें कि सिंगल 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 सेम तरीके के एटम जुड़ के एलिमेंट बनाएंगे पोलिटोमिक में आएगा डायाटोमिक ट्रायाटोमिक टेट्राटोमिक पेंटाटोमिक मतलब कि दो दो एटम जुड़ के पूरी एंटिटी का फॉर्मेशन करेंगे O2 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 टू ओ O3 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 टूटू ट्राइटोमिक्री ओथ्री ओथ्री पॉलिटॉमिक के अंडर में आएंगे और उसके बाद एक और नया शब्द आपके लिए मॉलिक्यूल क्या होता है इसको आप सुनते हैं तो आप डर जाते हैं मॉलिक्यूल कुछ नहीं है केमिकल स्पीशी है जिसके अंदर कितने एटम्स होते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं दैट आर केमिकली बॉन्डेड टू इच अदर एंड ये जो एटम्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं सिंपल सी बात मैंने क्या बोला मॉलिक्यूल एक ऐसी केमिकल एंटिटी है जिसमें दो एटम्स भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं अब वो आइटम सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल खटकेगा कि क्या सुनील भैया पॉलीअटमिक एलिमेंट जो है क्या वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि आपने यहां पे बोला दो या दो से ज्यादा और आपने पॉलीअटमिक में डिफाइन करा कि दो या दो से ज्यादा एटम तो क्या सुनील भैया पॉलीअटमिक एलिमेंट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल करते हैं अगर आप इस पूरी एंटिटी में इसकी बात करें तो यह क्या है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा इसको आप मॉलिक्यूल की तरह कंसिडर करेंगे ये पूरी एंटिटी क्या होगी ये एलिमेंट होगी पॉइंट समझ में आ रहा है लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इस बात में आपको नहीं होगा तो यह डायटोमिक एलिमेंट हुआ पॉलिटोमिक के अंडर में और ये मॉलिक्यूल की तरह भी कंसीडर होगा लोग कहते हैं मॉलिक्यूल क्या है मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब यह ऐसी स्पीशी जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम हो सेम हो डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता यहां पे सेम एटम्स है डिफरेंट एटम्स में भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होंगे वो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है सवाल करोगे ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा सवाल करते हैं ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा लेट्स प्रैक्टिस सवाल करते हैं दोस्तों ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा इस सवाल को करो इसमें से कौन सा एलिमेंट है और उसको आप मॉलिक्यूल की तरह भी कंसिडर करोगे भाई जिनको केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती है उन्हीं के लिए बेसिक्स पढ़ा रहा हूं जो पहली बार आए हैं ध्यान से सुनो देखो प्रॉब्लम क्या है तुम इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहे इंटरेस्ट लोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं तो भैया इंटरेस्ट आएगा ही नहीं और यार भैया यार उसको मैसेज करने का बड़ा मन करता है यार क्यों इंटरेस्ट है ना तुम्हारा इधर इंटरेस्ट डालो ना भाई पक्का इंटरेस्ट आएगा ठीक है चलो अब देखो इसमें से हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मोलिक्यूल तो यहां पे क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट और यहां पे लिखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट यहां पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की चर्चा हो रही है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की चर्चा नहीं हो रही है अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं पॉलीअटोमिक एलिमेंट जो होंगे वो आपके एग्जिस्ट करेंगे एज आपका एज आपका मॉलिक्यूल अब बात करते हैं सबसे पहले वाटर की तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है एच टू ओ अब यह तो डिफरेंट आइटम से बना है. क्या यह एलिमेंट है नहीं है तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकता ये क्या है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो सकता है बहुत बच्चे बोलेंगे तो मॉलिक्यूल है अरे यार ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो सकता है मैं आपसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की चर्चा कर रहा हूं एलिमेंट एज वेल एज मॉलिक्यूल मेरी कंडीशन है कि एलिमेंट एज वेल एज मॉलिक्यूल आपको मुझे बताना है ये नहीं, बिल्कुल क्या यह मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगी बिल्कुल करेगी क्यों नहीं करेगी बिल्कुल करेगी पोटेशियम मेटल पोटेशियम मेटल की अगर चर्चा करें तो यह एलिमेंट है हंड्रेड एलिमेंट है क्या ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा इसको नहीं मानेंगे क्यों ये कैसे एग्जिस्ट करेगा बताओ सिंगल 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 पोटेशियम 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 कैसा है मोनो ऑटोमिक एलिमेंट है मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था सेम टाइप के एटम से मिलके बना है तो एलिमेंट होगा अब अगर एक एक सिंगल 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 एटम जुड़ा है तो मोनोटोमिक दो 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 एटम जुड़ के पूरी एंटिटी बना रहे तो तीन 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 एटम जुड़ के बना रहे तो ट्राइटोमिक जो डाय ट्राई वाली है पोलियोटॉमिक कैटेगरी में आती है और पोलियोटोमिक वाले मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मोनाटोमिक वाले मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते आपने कभी नहीं सुना होगा सोडियम मॉलिक्यूल पोटेशियम मॉलिक्यूल लिथियम मॉलिक्यूल नहीं होता ही है ये गलत है कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही गेम से बाहर हो गया ये तो कंपाउंड है डिफरेंट तो ये तो यहां से बाहर हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो सकता है यह बी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकता तो दोनों चीजें कौन कर रहा है शो दोनों चीजें कौन शो कर रहा है खत्म बात है। एक और सवाल ट्राई करो कंफ्यूज करने के लिए पूछा है अब एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है मतलब मोनोटॉमिक एलिमेंट की बात कर रहा है मोनोटॉमिक एलिमेंट कौन सा ढूंढना है, है इसमें से मोनोटॉमिक एलिमेंट ढूंढा काम खत्म हो जाएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से फॉर्मूला बनाने का जो नियम है जो तरीका है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा बेटा पहले बेसिक्स और क्लियर कर लूं फॉर्मूला इस क्लास में सिखा के ही भेजूंगा टेंशन बिल्कुल मत लेना चलो। आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट इज एन एलिमेंट बट नॉट कंसीडर्ड एज अ मॉलिक्यूल एलिमेंट तो है बट मॉलिक्यूल नहीं है अब इसमें से सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ढूंढ लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कौन से होंगे पॉली एटॉमिक एलिमेंट होंगे ठीक है हाइड्रोजन गैस अब हाइड्रोजन गैस की चर्चा करते हैं नाइट्रोजन गैस ये एन टू हो जाएगा सोडियम मेटल ये एन ए हो जाएगा ओजोन ओथरी हो जाएगा ठीक है चलो आ जाओ हाइड्रोजन गैस क्या यह एलिमेंट है बिल्कुल है सेम तरीके के एटम से मिलके बना है क्या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है मॉलिक्यूल कंसीडर करने के लिए मिनिमम दो या दो से ज्यादा एटम होने चाहिए दो एटम है हंड्रेड परसेंट मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा नाइट्रोजन गैस एलिमेंट है सेम तरीके के आइटम से हाँ मॉलिक्यूल कंसिडर होने के लिए दो या दो से ज्यादा आइटम होने चाहिए सेम या डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता

चलिए अब एक बार चैट बॉक्स में आए भैया से भर दीजिए कि भैया अब इससे ज्यादा बेसिक तो आप भी नहीं बता सकते थे है ना आए भैया एक बार आए भैया लिख दीजिए दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है ठीक है चलो आए भैया आए भैया अरे आए भैया आए भैया आए भैया आए भैया भैया अब इसके बाद सारी तरीके बताए अरे बहुत तेज बच्चे यार हमारे यार क्या समझ क्या तुमने यार ये सही हल्के में ले लोग हमारे बच्चों को बहुत तेज हमारे दोस्त आयंस एंड देयर टाइप्स फटाफट से चालू करेंगे दोस्तों इसको चलो सबसे पहले आयन आयन क्या होता है दोस्तों आयन क्या होता है मित्रों? तो मित्रों व्हाट इज आयन 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 इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कंटेन्स एन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज इट? नहीं आया अभी सुनील भैया समझाएंगे तो देखो बेटा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा अब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज सुना सुना लग रहा है भैया याद कराओ तो मैंने बताया था कि जो एटम होता है एक नॉर्मल अगर हम एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्यों न्यूट्रल होता है क्योंकि जितना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है लेकिन अगर यहां पे ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज आ रहा है इसका मतलब क्या है इंबैलेंस है इंबैलेंस इन

एक होगा कटायन कहलाएगा कटायन और एक अनायन कहलाएगा कटायन पॉजिटिवली चार्ज होगा अनायन नेगेटिवली चार्ज होगा ठीक है उसके बाद अब ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे तुम खुद समझ पा रहे होगे कि भैया जो इंबैलेंस क्रिएट हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा सिंपल सी सरल सी आसान सी बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर मोर देन द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस सरल सी बात है अगर की बात करें अनगेटिवली चार्ज हो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है देस आर लेसर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म बात सरल सी बात है सिंपल सी बात है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इस चीज के अंदर तो आयन जो होगा ये जो आयन होगा अब इसकी अगर हम बात करें

तो सोडियम सिंबल है ने ठीक है इसका अटोमिक नंबर कितना है दोस्तों अटोमिक नंबर ग्यारह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्यारह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्यारह कॉन्फिगरेशन लिखना एक बार ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे दो आठ और एक इसकी कैपेसिटी दो है फिर आठ फिर एक अब मान लो ये क्या कर सकता है अब इसको स्टेबल होना है सोडियम को स्टेबल होना है ये चाहता है कि मैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लू कैसे कर सकता है या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दे तो अब इसके पास एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे आठ ऑक्टेट रूल स्टेबल हो गया या तो ये सात इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले सेवन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले सेवन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले ये क्या कर ले वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले सरल सी बात मैं आपको दो ऑप्शन बता रहा हूं पहला ऑप्शन क्या है कि सात गेन कर ले तो अब अठारह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेकिन ये दिक्कत देंगे प्रोटॉन तो ग्यारह ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन हो गए एक तो के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा स्टेबल नहीं होगा तो ये क्या करेंगे सरल भाषा में ये वाला चीज तो नहीं ऑप्ट होगी और ये इसको कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये किसके जैसा कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा ये सोडियम जो है आपका यह इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियम जैसा कॉन्फिगरेशन अटेन करेगा तो अब अगर आप ऑब्जर्व करें इलेक्ट्रॉन एक एक लूज कर रहा है तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर तो क्या नहीं रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए एक कम हो गया है दस हो गए ठीक है थीके? तो अब ये क्या बना लेगा सोडियम का कटायन बना लेगा क्यों क्यों बना लेगा क्यों बना लेगा क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ग्यारह ही है मतलब पॉजिटिव चार्ज तो ग्यारह तो मुझे यहां पे पॉजिटिव चार्ज ग्यारह तो नेगेटिव चार्ज दस ही है तो ये प्लस वन का एक ओवरऑल चार्ज होगा उसको लिखने का तरीका कैसा है आप लिखेंगे कैसे इसको आप लिखेंगे एन ए फिर लिखेंगे मैग्नीट्यूड और फिर लिखेंगे इसका चार्ज लिखेंगे पहले लिखेंगे मैग्नीट्यूड और फिर लिखेंगे इसका चार्ज सोडियम तो का कटायन बनेगा सरल सी बात ठीक है समझ में आ गई बात क्लियर आयन कैसे बना दोस्तों एक कटायन कैसे बना समझ में आया चलो अब आयंस की क्लासिफिकेशन तुमको पढ़ाता हूं ये किताब में नहीं है फिर से कह रहा हूं किताब में नहीं है एक्स्ट्रा बता रहा हूं समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों इस चीज पे ध्यान देना अब आयन की दो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं आयंस की दो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल चार्ज यानी जितना इन पे ओवरऑल चार्ज होगा यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस बेसिस पे आयन की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं ठीक है भैया अब देखिए शब्द कह रहा है मोनोवेलेंट कटायन डायवेलेंट ट्राईवेलेंट मोनो मतलब एक डाय मतलब दो ट्राई मतलब तीन कटायन का, का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज तो प्लस वन का पॉजिटिव चार्ज टू प्लस का पॉजिटिव चार्ज थ्री प्लस का पॉजिटिव चार्ज ये बात कह रहा है जैसे मोनोवेलेंट में मैं लिखना चाहूं तो सी यू वन प्लस एन ए वन प्लस के वन प्लस हमेशा वन के बाद प्लस लगाना ए जी वन प्लस एनएच फोर वन प्लस एटसेट्रा ठीक है डायवेलेंट अब इसको बहुत ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मोनोटॉमिक पोलीटोमिक सब क्लियर कर दूंगा ध्यान से देखना डायवेलेंट यानी इनके ऊपर टू प्लस का चार्ज डायवेलेंट कटाइन यानी टू प्लस का चार्ज ठीक है बहुत बढ़िया ट्राइवेलेंट मतलब थ्री प्लस का पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़िया अब मोनोवेलेंट अनायन की बात हो रही है इसको थोड़ा सा ऐसे सेपरेट कर लेते हैं अब मोनोवेलेंट अनायन की जब चर्चा यहां पे हो रही है तो इसका मतलब है कि वन माइनस का नेगेटिव चार्ज तो एच एस ओ फोर वन माइनस एच सी ओ थ्री वन माइनस ओ एच वन माइनस एल वन माइनस एटसेट्रा डायवेलेंट अनाइन की बात करते हैं डायवेलेंट अनाइनस एस टू माइनस एटसेवेलेंट अनाइन मतलब थ्री थ्री माइनस का पीओ फोर थ्री माइनस एन थ्री माइनस एटसेट्रा ठीक है तो मोनोवेलेंट यानी कि भैया वन अब होगा तो पॉजिटिव और अन्य होगा तो नेगेटिव मोनोवेलेंट कटाइन वन प्लस डायवेलेंट कटाइन टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस डायवेलेंट पे टू माइनस ट्राइवेलेंट पे थ्री माइनस अब यहां पे अगर मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूं उनको ध्यान से देखोगे तो तुमको एक चीज समझ में आएगी कॉपर तुमको यहां भी दिखाई दे रहा है और कॉपर तुमको यहां भी दिखाई दे रहा है ठीक है सिल्वर तुमको यहां भी दिखाई दे रहा है और सिल्वर तुमको यहां भी दिखाई दे रहा है आयरन तुमको यहां भी दिखाई दे रहा है और आयरन तुमको यहां भी दिखाई दे रहा है ये क्या है यानी सुनील भैया कॉपर यहां पे दो वैलेंसी शो कर रहा होगा ये आयन है एक और इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर दूं एक और इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर देता हूं इधर ही ऐड कर रहा हूं ध्यान से देखना एक और इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर देता हूं वैलेंसी जो होती है वैलेंसी जस्ट द मैग्नीट्यूड इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता अगर मैं बोल रहा हूं एन ए वन प्लस तो यहां पे जो वन प्लस है वो क्या है वो उसका चार्ज है ठीक है अगर मैं वैलेंसी की यहां पे चर्चा करूं इसी केस में तो वैलेंसी मेरी वन है वैलेंसी हमेशा सिर्फ नंबर होता है बेटा याद रखना वैलेंसी इज जस्ट द नंबर उस पर चार्ज कभी नहीं लगेगा जो गलत गलत अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो वहां पे चार्ज दिखाया जाएगा ये वैलेंसी इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ओनली नंबर वैलेंसी में कभी भी आपका चार्ज कंसीडर नहीं होता ठीक है अब चलिए यहां पे अगर मैं देखूं तो अगर आप कॉपर की बात करते हैं कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर यहां पे दो वैलेंसी शो कर रहा है कॉपर की जो वैलेंसी है है ना वो क्या क्या है इसको थोड़ा सा ऐसे टेबल बना के लिख लेते हैं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको ठीक है तो यहां लिख देता हूं मैं वैलेंसी और यहां लिखता हूं मैं कॉपर आयरन सिल्वर तो बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे तो कॉपर की दो वैलेंसी है एक और दो सिल्वर की भी एक और दो और आयरन की है दो और तीन जस्ट द मैग्नेट्यूड टेक द मैग्नेट्यूड ओनली है ना अब इसको बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं यहां पर वेरिएबल वैलेंसी कुछ आपके जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं क्या शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दे लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पेन अल्टीमेट शेल एज वेल अभी अपने कंसेप्ट के हिसाब से अपनी ग्रेड के हिसाब से ये बिल्कुल सही है कभी कभी क्या होता है कि वैलेंस शेल के अलावा ये उससे जो लास्ट वाले से जस्ट पहले वाला शेल है लास्ट वाले से जस्ट पहले वाला शेल है पेनल्टीमेट इससे भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं पेनल्टीमेट शेल से भी लूज कर देते हैं तो ये दो वैलेंसी शो करते हैं मल्टीपल वैलेंसी को शो करते हैं इसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात तो आयन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल चार्ज समझ में आया होगा आपको अब आयन का ही क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं आपसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स तो ये दो तरीके के होंगे एक होंगे आपके मोनो मोनोअटोमिक आयंस और एक होंगे आपके पॉली पॉलीअटमिक आयंस मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा मोनोअटोमिक आयन और पॉलिटॉमिक आयंस क्या होते हैं आयन के क्लासिफिकेशन दो पता ही ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स तो अगर मोनो की मैं बात करूं तो मोनो का मतलब क्या हुआ मोनो का मतलब हुआ वन अटोमिक का मतलब हुआ एटम यानी एक एटम के ऊपर आयन का मतलब हुआ ओवरऑल चार्ज एक एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा इसको मोनोटॉमिक कहेंगे तो अब इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूं एक आइटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज तो एन ए वन प्लस सी एल वन माइनस ऑक्सीजन टू माइनस सल्फर टू माइनस एमजी टू प्लस कैल्शियम टू प्लस कॉपर टू प्लस कॉपर वन प्लस ए जी वन प्लस एफ ई टू प्लस थ्री प्लस एक्सेट्रा देखिए एक एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज है ना दोस्तों एक एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर के ऊपर एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर या एटसेट्रा पे क्या कर रहा हूं मैं ठीक है तो सिंगल एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता ये मोनो एटॉमिक आयन कहलाएगा तो पॉली क्या कहलाएगा तुम बड़े समझदार हो अब देखो पॉली का कहलाएगा टू और मोर देन टू टू और मोर देन टू एटम्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज दो या दो से ज्यादा एटम्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा ठीक है ना दोस्तों तो अब इसमें क्या होता है इसके एग्जाम्पल्स के कंसीडर कर लेते हैं पी ओ फोर थ्री माइनस ओ एच वन माइनस एस फोर टू माइनस ठीक है एच एस ओ फोर वन माइनस एच सी ओ थ्री वन माइनस एटसेट्रा काम खत्म समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बात अरे दोस्तों मजा आ रहा है अरे कंसेप्ट में कुछ मिल रहा है भैया कुछ अलग मिल रहा है कुछ मजा आ रहा है अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रही भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रही मजा आ रहा समझ में आया मजा आ रहा है कुछ नया मिल रहा है भैया हाँ जी भैया तो आयन की क्लासिफिकेशन अभी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एटमोटॉमिक और पोलियोटॉमिक मोनो मतलब एक एक एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज हो एक एटम पे चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज वो मोनोटॉमिक आयन हुआ पोलियोटॉमिक में दो या दो से ज्यादा एटम पे ओवरऑल चार्ज हो दो एटम पे ओवरऑल चार्ज ये चार और एक पांच एटम पे ओवरऑल चार्ज पांच एटम पे ओवरऑल चार्ज चार पांच छह एटम पे ओवरऑल चार्ज तीन चार पांच एटम पे ओवरऑल चार्ज पांच एटम पे ओवरऑल चार्ज तो इस प्रकार से होगा ये चार्ज कैसे याद रखना है इसकी भी ट्रिक दूंगा अभी अब अगला कंसेप्ट ट्रिक है आ जाओ ठीक है अब एक है छोटा सा कंसेप्ट और है अगर आपको याद रख सकते हैं तो याद रखिए इसके लिए पूरा एक लेक्चर लिया जाएगा नॉमिन क्लेचर का कॉमन नॉमिंग एंड स्टॉक नॉमिंग्लेचर यह कॉमन नॉमिनक्लेचर का है तो जो आय जिनकी वेरिएबल वैलेंसी है है ना वेरिएबल वैलेंसी वाले जो आय है जैसे कि आपने देखा अभी सी यू वन प्लस सी यू टू प्लस फिर आपने देखा एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस ऐसे ही एजी वन प्लस एजी टू प्लस ठीक है तो इनमें क्या करते हैं इनके नाम के आखिरी में अब देखिए अगर आप ऐसे बोलेंगे कॉपर कटायन तो आप कौन से कटायन की बात कर रहे हैं इस वाले की कि इस वाले की आप बोल रहे हैं आयरन कटायन तो इस वाले की कि इस वाले की आप बोल रहे हैं सिल्वर का कटायन तो इस वाले की कि इस वाले की किसकी बात कर रहे हैं कैसे पता लगेगा भाई इसकी दो वैलेंसी है वन प्लस भी है टू प्लस भी है टू प्लस भी है थ्री प्लस भी है वन प्लस भी है टू प्लस भी कौन से की बात कर रहे हो भैया कौन से की बात कर रहे हो नामकरण रखो ना आलू आपके पास दो गधे हैं एक का नाम आलू एक का नाम भालू अब तुम बोलोगे भैया गधे को लेके आओ कौन से गधे को आलू के भालू को अरे भैया गधे को लाना कौन से वाले गधे को आलू को लाऊं कि भालू को लाऊं आलू को लाऊं कि भालू को लाऊं आलू को लाऊं कि भालू को लाऊं

ड हो जाएगा हायर वैलेंसी के लिए एक एड हो जाएगा लोअर वैलेंसी हायर वैलेंसी लोअर वैलेंसी हायर वैलेंसी लोअर वैलेंसी हायर वैलेंसी ऐसे समझाता हूं मान लीजिए मैंने बोला कॉपर ठीक है तो कॉपर का अगर जो लोअर वैलेंसी है दैट इज वन ठीक है कॉपर की लोअर वैलेंसी है मान लीजिए वन प्लस और हायर वैलेंसी है टू प्लस वेलेंसी तो एक्चुअल वन और टू ही होगी है ना एफ ई टू प्लस थ्री प्लस तो यहां पे आप क्या बोलेंगे इसको आप कैसे बोलेंगे इसको 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 कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? तो आप यहां बोलेंगे अब ये कॉमन नॉमिक्लेचर है बेटा आई पैक वाला नहीं है पढ़ाएंगे ये भी क्यूप्रस ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूब रिक। ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा रस। ये हो जाएगा फै रिक। ये हो जाएगा अर्जेंटस ये हो जाएगा अर्जेंटिक अस इक अस इक अस इक ये देखिए अस 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 इक 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 पॉइंट समझ में आ रहा है क्या भाई अगर तुम्हारे पास मल्टीपल ये वेरिएबल वैलेंसी वाले कटाए ना तो कैसे बुलाओगे तो अगर सी यू वन प्लस की बात करनी है तो बोलोगे क्यूपरस सी यू टू प्लस की बात करनी है तो बोलोगे क्यूपरिक टू प्लस की बात करनी है तो फेरस फेरिक अर्जेंटस अर्जेंटिक ऐसे बोलोगे सामने वाले को कंफ्यूजन नहीं होगा ठीक है समझ रहे हो चलिए आगे चलते हैं ओके लेट्स प्रैक्टिस दोस्तों फटाफट से सवालों को प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8वा आपकी स्क्रीन के समक्ष ये रहा एन अनायन इज फॉर्मड कब होगा इंबैलेंस क्या होता है बताइए फटाफट से जल्दी से बताइए जल्दी-जल्दी 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 जल्दी, 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 जल्दी फटाफट से उसके बाद केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे इसके बाद बस हमारे पास लास्ट टॉपिक है कंपाउंड और फिर केमिकल फार्मूला ठीक है ना बस खत्म हो जाएगा फिर चलिए ठीक है तो अनायन क्या होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है तो कब होगा व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होगा तभी तो इस इंबैलेंस की वजह से क्या बनेगा अनायन बनेगा सरल सी बात है सिंपल सी बात है ठीक है भैया जो सी कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोटॉन्स प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से तो कटायन बनेगा इन दिस केस कटायन विल बी फॉर्म इस केस में कटायन बनेगा भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तभी कटायन बनेगा ना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो अनायन बनेगा सरल सी बात है आगे चलो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन देर इन सी ए टू प्लस कटायन जल्दी से बताओ सी ए टू प्लस कटायन में कितने है? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देर इन सी ए टू प्लस कटायन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देर इन सी ए टू प्लस कटायन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देर इन सी ए टू प्लस कटायन ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया अब देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कैल्शियम की कैल्शियम की तो इसका अटोमिक नंबर कितना होता है दोस्तों इसका अटोमिक नंबर होता है बीस तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं आपको मैंने ये डिविजन भी सिखाया था ये होगा टू एट एट और टू अब अगर ये कह रहा है टू प्लस मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से इस केस में अटोमिक नंबर बीस है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर बीस थे ठीक है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके कितने थे बीस थे लेकिन अब जैसे ही इसने टू इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया लूज इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ना इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स को इसने लूज कर दिया तो दोस्तों यहां पे क्या होगा टू एट और एट हो जाएगा अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे दोस्तों तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 20 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अठारह है ठीक है तो आप मुझे बताइए कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लस ट्वेंटी है और नेगेटिव चार्ज जो है वो माइनस एटीन है तो इस स्पीशी पे ओवरऑल इंबैलेंस कितने का आ जाएगा टू प्लस का इंबैलेंस आ जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन कितने अठारह हैं काम खत्म ठीक है ठीक है समझ में आ गई बात क्लियर हो गई बात भाई टू प्लस का चार्ज कब आएगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो ज्यादा हैं भाई न्यूट्रल होगा तो बीस प्रोटॉन बीस इलेक्ट्रॉन होंगे कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन अगर टू प्लस का आ रहा है मतलब दो प्रोटॉन अब ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो प्रोटोन तो बीस ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन अठारह हो गए होंगे सिंपल सी बात है ठीक है सिंपल सी बात है क्लियर है चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीअटोमिक आयन जल्दी से बताएंगे पॉलिअटॉमिक आयन कौन सा है फटाफट से बताएंगे पॉलिअटोमिक आयन कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिओटॉमिक आयन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिओटोमिक आयन मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं से आ जाइए आई एम लुकिंग इन टू बॉक्स देखते हैं कौन सा आंसर देता है इसका चैट चैट बॉक्स बॉक्स में में ओ भैया अलग ही कंफ्यूजन चल रही है क्या अरे बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही मज़ा आ गया मजा आ गया मजा आ गया बहुत बढ़िया 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 अरे यार बहुत बढ़िया बहुत सही चलिए बहुत सही बहुत बढ़िया अब देखो इसको देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉली पॉलीअटमिक आयन इसमें से कौन सा आपका पॉली पॉलीअटमिक आयन होगा ठीक है अब देखो यहां पे सबसे पहले सोडियम मैग्नीशियम इनके बारे में अपन लिख लेते हैं कि क्या होंगे ये इनकी डिटेल्स क्या होंगी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल चार्ज भाई कितना है वन प्लस है टू प्लस है उस बेसिस पे और दूसरा आपको क्या बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आयन की क्लासिफिकेशन इन एन आयन ठीक है अब देखिए इसके ऊपर वन प्लस का ओवरऑल चार्ज है इस इसपे टू प्लस का इस इसपे वन माइनस का इस इसपे थ्री प्लस का ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं बताना तो मुझे यही है पॉलीएटॉमिक मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे बताना है लेकिन ये रिवीजन करवा रहा हूं वन प्लस का चार्ज है इसका मतलब ये कैसा है मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट है पॉजिटिव चार्ज है तो मोनोवेलेंट कटायन होगा ये कैसा है टू प्लस का पॉजिटिव चार्ज है तो टू है तो डायवेलेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव पॉजिटिव है तो कटायन वन वन का मतलब हो गया मोनोवेलेंट अच्छा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नेगेटिव है तो लिख देंगे अनायन थ्री थ्री का मतलब हो गया कि ट्राइवेलेंट लिख देंगे प्लस है कि माइनस है प्लस है तो चुपचाप लिख देंगे कटायन काम खत्म अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन एन एन नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे देखते हैं एक एटम है तो ये क्या हो जाएगा मोनो अटोमिक आयन एक एटम है तो ये भी क्या हो जाएगा मोनो अटोमिक आयन देखिए मैंने आपको बोला था दो या दो से ज्यादा एटम पे ओवरऑल चार्ज तो दो या दो से ज्यादा एटम पे ओवरऑल चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पॉली आयन उसके बाद एक एटम है तो ये फिर से हो जाएगा मोनो एटॉमिक आयन बात खत्म बढ़िया टक सी मार्क क्या आगे चलेंगे ठीक है समझ में आगे बात अब इनके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है इसको निकालते कैसे के लिए लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा इंपॉर्टेंट बात कैलकुलेट चार्ज ठीक है ना ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज है ना डू यू फाइंड रिमेंबरिंग दार्ज डिफिकल्ट क्या आपको भी दिक्कत होती है हाँ यार सुनील भी यार दिक्कत होती है यार यार याद नहीं हो पाते यार भी यार अपन करा देंगे अपन ट्रिक बताएंगे तुम कैलकुलेट कर लोगे तो अब जितने भी बच्चे यहां पे देख रहे हैं सीरियसली सुनना कॉपी और पेन निकाल लो मस्ती मजाक छोड़ दो ये ट्रिक बता रहा हूं ये पूरी कक्षा दसवीं में काम आएगी ग्यारहवीं बारहवीं की नहीं बात करा कक्षा दसवीं तक के सारे फॉर्मुले बन जाएंगे गारंटी है गारंटी दे रहा हूं कक्षा दसवीं तक के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग सुनील सर्च फोन ट्रिक ये फोन ट्रिक लगाएंगे अपन हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ सुनील भैया बोल रहे हैं फोन ट्रिक फोन ट्रिक समझ रहे हो हाँ फोन ट्रिक लगा देंगे भैया आ जाओ क्या करना है भैया फोन ट्रिक के अंदर ओवरऑल चार्ज समझ गया ना ये वाला ओवरऑल चार्ज ये ठीक है अब कैसे करना है इसको थोड़ा समझना बहुत सरल है कोई दिक्कत नहीं है ये आपको फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन 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 कर दो मुझको फोन एफ ओ एन एफ ओ एन इनको चार्ज देना है दोस्तों माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री का जो जो मैं बताता जाऊं अभी आप सुनते जाओ है ना और जो दूसरे एटम्स होंगे जितने भी हो, उनको पॉजिटिव चार्ज दो जितने उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बस आंसर आ गया अब अगर भैया तुम बोलोगे कि भैया फ्लोरीन और ऑक्सीजन साथ में आ जाए तो तो इसको फ्लोरीन को प्रियोरिटी हमेशा ज्यादा देनी है फिर ऑक्सीजन को देनी है और फिर नाइट्रोजन को देनी है कहने का मतलब प्रियोरिटी ऑर्डर यह फ्लोरीन को सबसे ज्यादा फिर ऑक्सीजन को और फिर नाइट्रोजन को ये प्रियोरिटी ऑर्डर होगा इनके साथ कोई और एटम है तो उसको पॉजिटिव चार्ज देना है जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो भैया ऐसे समझ में नहीं आएगा एग्जांपल दो एग्जांपल देते हैं आ जाओ एग्जांपल अब यहां से एक सबसे सरल एग्जांपल उठाते हैं देखो सबसे सरल एग्जांपल उठाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को उठाते हैं ठीक है इड्रो ऑक्साइड आयन में ओ एच है इसके ऊपर एक्स मान लेते हैं ओवरऑल चार्ज क्या मान लेते हैं एक्स ये एक्स तुम्हारी वो एक्स नहीं ये केमिस्ट्री की एक्स है ठीक है अच्छा यादों में तो नहीं चलेगा भैया रोने वोने तो नहीं लगे पढ़ाई लिखाई पे फोकस किया करो भैया फालतू की बातें लगती हैं सब एनर्जी खाती हैं ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज और किसी चीज पे मत करो ठीक है हमेशा समझाता हूं आज भी समझा रहा हूं है ना चलो अब देखो दोस्तों आपको ऑक्सीजन दिख गया है आपको ऑक्सीजन को माइनस टू देना है आंख बंद करके मैंने आपको बोला फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिसके साथ भी देखें फ्लोरिन को माइनस वन ऑक्सीजन को माइनस टू नाइट्रोजन को माइनस थ्री देना है ठीक है तो मैंने ऑक्सीजन को कितना दिया ऑक्सीजन को मैंने दिया यहां पर माइनस भैया उसके अलावा जितने भी एटम होंगे उसको आप पॉजिटिव चार्ज दोगे जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन इसका अटोमिक नंबर कितना होता है दोस्तों वन इलेक्ट्रॉन तो, तो इसके पास क्या हो जाएगा प्लस वन लगाओ क्या आएगा माइनस वन ओवरऑल चार्ज को फिट कर दो ओ OH. एच लिखने का तरीका है वन और फिर माइनस काम खत्म क्या यहां पे वन माइनस ही है क्या देखना एक बार ये देखो वन माइनस अरे समझ में आ रही है दादा वन माइनस आ रहा है हां जी भैया कोई और उठाते चलो कोई और उठाते हैं अमोनियम उठाते हैं आ जाओ अमोनियम उठाते हैं ये पहला एग्जाम्पल था अमोनियम उठाते हैं ठीक है अमोनियम ठीक है एन एच फोर एक्स पता नहीं है मेरे को कितना है मैंने आपको बोला फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिले माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री चुपका देना तो नाइट्रोजन को यहां पे कितना चुपकाउं बताओ नाइट्रोजन को कितना चुपकाऊ माइनस तीन हाइड्रोजन को कितना चुपकाना पड़ेगा नाइट्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट आपको उस पर्टिकुलर स्पीशी में देखे उसको पॉजिटिव चार्ज दो तो जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है है ना तो और चार हाइड्रोजन आइटम है तो क्या हो जाएगा प्लस फोर इंटू वन भाई चार हाइड्रोजन एटम है ना एक पे प्लस वन का चार्ज तो चार पे कितना हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर कितना प्लस वन अब देखो लिखो एन एच फोर और इस पर लिख दो वन प्लस काम खत्म तुम्हारे लिए ट्रिक रामबाण है कक्षा दसवीं तक के छात्रों के लिए तो ये रामबाण होती है अब एन एच फोर के ऊपर वन प्लस का ओवरऑल चार्ज है कि नहीं एक बार देख लो ये देखो ये रहा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा भैया समझ में आ रहा भैया अरे बाबू एच आप पूछ रहे हो एच बेटा आपका पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है हम पोलीअटोमिक आयन की बात कर रहे हैं आप लोग डिफरेंस को समझिए बेटा आप बोल रहे हैं HCL HCL एच सी एल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आप कंपाउंड की बात कर रहे हैं मैं पोलीअटोमिक आयन की बात कर रहा हूं इसकी ये जुड़ेगा किसी से कंबाइन करेगा तो कंपाउंड बनेगा है ना डिफरेंस है अब मान लीजिए फॉस्फेट को उठाते हैं फॉस्फेट को उठाते हैं मान लीजिए फॉस्फेट को उठाते हैं तीसरा है फॉस्फेट यह हो जाएगा पीओर के ऊपर एक्स है फिर उसके बाद उठाएंगे सल्फेट को या चलिए नाइट्रेट को उठाते हैं आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भिड़ंत भी दिखा देते हैं अब आपको इसमें से नेगेटिव किसको देना है जल्दी से बताओ नेगेटिव देना पड़ेगा ऑक्सीजन को कितनी बार चार एटम है एक एटम को माइनस टू चार एटम को कितना हो जाएगा? माइनस का आठ हो जाएगा बचावा दो आठ पांच यानी पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस का अटोमिक नंबर कितना होता है दोस्तों अटोमिक नंबर होता है पंद्रह तो के एल एम दो आठ और पांच जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना पॉजिटिव चार्ज तो प्लस पांच अब इन दोनों को इंट्रैक्ट करेंगे अगर अपन तो प्लस पांच माइनस आठ कितना आएगा माइनस तीन आप लिख दीजिए पी ओ फोर थ्री माइनस काम खत्म सल आ, उसके बाद नाइट्रेट पे आते हैं आइए नाइट्रेट पे अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नेगेटिव किसको दे और पॉजिटिव किसको दे तो प्रियोरिटी ऑर्डर को याद रखिए अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन आए तो ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव या ये ये पॉजिटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा कैसे देखो ऑक्सीजन को माइनस टू ही देना है तीन आइटम इंटू माइनस टू माइनस सिक्स हो गया नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज कितना देना है जितने नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे के एल टू कॉमा फाइव पांच तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस सिक्स माइनस वन तो एनओ थ्री वन माइनस ओवरऑल आंसर ये होगा खत्म बात समझ में आगे बात बेटा आपको खुद के नोट्स खुद बनाने चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर भी हमने वीडियोस डाले हैं और भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा इसके ऊपर है ना ठीक है अब देखो एक बार सल्फेट के ऊपर बात करते हैं दोस्तों सल्फेट और आपको एक और क्लियर कर देता हूं इसका एक्सेप्शन भी बता देता हूं एसओ फोर एक्स एंड एसल्फाइट कहां पे आपको कौन सा याद करना पड़ेगा वो भी बता देता हूं सिर्फ आपको एक ही याद करना पड़ेगा सल्फाइट का एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आ, ये आएगा एनसीईआरटी एनसीआरपलर के चैप्टर नंबर वन में बेरियम सल्फाइड का एक सवाल आ जाता है वहां पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं वहां पे ट्रिक अप्लाई नहीं होती है कैसे नहीं होती है मैं बताता हूं। देखो, सल्फेट पे तो हो जाएगी कैसे है? देखो सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को नेगेटिव देंगे चार एटम्स हैं एक एटम को माइनस टू देंगे तो चार एटम पे कितना हो गया माइनस आठ सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं छो कॉमा आठ कौ तो प्लस छ इस हिसाब से माइनस दो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा SO4 फोर टू माइनस हो जाएगा ठीक है अब ये ट्रिक तुम सल्फाइट पे मत लगाना इस पे मत लगाना इस पे लगाओगे तुमको दिक्कत आएगी इस पे लगाओगे तो दिक्कत आएगी कैसे मैं बताता हूं देखो अब तीन ऑक्सीजन के में एक को दोगे माइनस दो -2। तो कितना आएगा माइनस छ सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है? प्लस छ प्लस चे और माइनस कितना होता है प्लस छ और माइनस छ का रिजल्ट आता है अपने पास जीरो लेकिन ये गलत है एसओ थ्री के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी कितना होता है टू माइनस होता है जितना इसके ऊपर होगा ना उतना ही इसके ऊपर होगा इनको ऑक्सी आयन कहते हैं ऑक्सी आयन का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे पॉलीअटमिक आयन हैं जिसमें ऑक्सीजन होगा और सबके ऊपर सेम चार्ज होगा सल्फेट सल्फाइड सेम चार्ज है ना <laughs> अभी आगे तुम पढ़ोगे इसके बारे में मैं ही पढ़ाऊंगा सल्फेट सल्फाइड पर सल्फेट है ना हाइपो वाले बट अभी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है ठीक जहां पे एक्सेप्शन था वो भी बता दिया मैंने ये एक ही एक्सेप्शन पूरी किताब में तुमको देखने के लिए मिलेगा जब तुम सल्फाइड का फॉर्मूला बना रहे होगे तो सल्फाइड की जो वैलेंसी कंसीडर करोगे टू कंसीडर करना जीरो कंसीडर मत करना क्योंकि अगर तुम ट्रिक्स से इसका चार्ज जीरो निकाल रहे हो तो तुम बोलोगे कि फॉर्मूला बनेगा नहीं तो गलत है वो ठीक है वेलेंसी यहां पर इसकी जीरो नहीं होगी ठीक है अब एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लिख दो भैया हमको लगता है हमने बहुत क्लियर कर दिया ये कंसेप्ट तुम लोगों को एक बार आए भैया लिख दो अगर ट्रिक अच्छी लगी तो एक बार आए भैया के साथ हार्ट बना दो जोरदार वाले बहुत सारे हार्ट चाहिए हमको आई लव हार्ट जल्दी जल्दी हार्ट बनाएंगे आग लगाएंगे हार्ट बनाएंगे हार्ट बनाएंगे, हाट बनाएंगे। भैया नाइट्रेट बता तो दिया एक बालक पूजा नाइट्रेट बताओ ये नाइट्रेट ही तो है एनओ थ्री नाइट्रेट था ना यहां पे हां नाइट्रेट था अच्छा, अच्छा नाइट्राइट पे भी ट्रिक लगाओगे तो नहीं लगेगी जितने भी पॉली मैंने बोला ना ऑक्सी एनाइंस पर नहीं लगती भैया ऑक्सी आइन पे ट्रिक नहीं लगती भैया ठीक है ऑक्सीजन जो होंगे ना उसपे ट्रिक नहीं लगेगी ठीक है

मान लीजिए एच सी ओ थ्री की पावर जो है x है पता नहीं है x क्या है पता नहीं भैया दिल भारी हो जाता है बोला मत करो x तो y लिख देना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो ऑक्सीजन को तो तुम नेगेटिव दोगे ऑक्सीजन को क्या दोगे नेगेटिव दोगे कितनी बार तीन बार तो ये हो जाएगा माइनस से तीन एटम है ना पर भैया माइनस तो टोटल माइनस अब सुनील भैया बचे हुए आइटम्स कौन से हाइड्रोजन और कार्बन बचे हुए आइटम है दोनों को आपको पॉजिटिव चार्ज देना है जितने उनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है एक है कार्बन के पास कितने हैं चार है तो प्लस एक प्लस चार कितना हो गया प्लस पांच हो गया हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो प्लस वन कार्बन के पास चार तो प्लस चार प्लस एक प्लस चार प्लस पांच प्लस पांच और माइनस छ माइनस एक एच थ्री वन माइनस गेम ओवर बढ़िया समझ में आया एच सी ओ थ्री वन माइनस ये देखो समझ में आ गई बात एच सी ओ थ्री वन माइनस ठीक है चलो चले आगे अब देखो कंपाउंड से गेम निपटाते हैं कंपाउंड्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मॉलिक्यूल्स ये निपटाते हैं उसके बाद केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे उसके बाद घर ठीक आ जाओ नाउ व्हाट इज अ कंपाउंड दोस्तों आपको कंपाउंड के बारे में क्या पता है मैंने आपको बताया प्योर सब्सटांस केमिकली होमोजीनियस यानी उसका जो केमिकल बिल्टअप होता है एक समान होता है हमने एलिमेंट के केस में पढ़ा कि भैया जब आप बोल रहे थे प्योर सब्सटेंस सेम टाइप के पार्टिकल्स से बनता है तो एलिमेंट में उन पार्टिकल्स को हमने एटम कहा था कंपाउंड में क्या कहेंगे कंपाउंड में या तो हम उनको आयन कह सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं कैसे मैं आपको बताता हूं तो कंपाउंड भी क्या है एक तरीके का आपका प्योर सब्सटांस है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स अब कंपाउंड जो बनता है वो भी प्योर सब्सटांस ही है प्योर सब्स्टांस ही है लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बनता है इसका सरल सा मतलब होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे मान लो दो एलिमेंट से मिलकर बन रहा है ए और बी अब ए के सारे एटम सेम होंगे एलिमेंट ए के और बी एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे लेकिन अगर ये दोनों मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट से बन रहे हैं या डिफरेंट एटम से बन रहे हैं सरल सी बात है है ना पर इसका यह मतलब नहीं कि प्योर सब्सटेंस नहीं होगा मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था अभी भी समझा रहा हूं एच टू मान लो ये पानी है ऊपर भी एस टू इधर भी एस्टू इधर भी एस्टू इधर भी एस्टो इधर भी इधर भी एस्टो इधर भी ये केमिकली हर जगह एक समान है यूनिफॉर्म है इसका बिल्टअप होमोजीनियस है तो ये बेसिकली क्या है प्योर सब्सटेंस है दो तरीके के कंपाउंड आप पढ़ेंगे देखिए दो तरीके कंपाउंड आप पढ़ेंगे एक होंगे आयोनिक कंपाउंड्स, एक होंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होंगे बेटा ये बेसिकली किससे बनते हैं ये आपके नॉन मेटल से बनते हैं एंड ये नॉन मेटल से बनते हैं और ये कैसे एग्जिस्ट करते, है? करते हैं दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए इसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं यही अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो ये बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल से मिलके बनते हैं ठीक है दूसरी बात यहां पे यहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं यहां पे क्या होते हैं बेटा यहां पे आयंस एग्जिस्ट करते हैं ये बहुत मेजर डिफरेंस है यहां पे आयंस एग्जिस्ट करते हैं यहां पे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं मैंने इंटरव्यू में बहुत लोगों से पूछा है मैंने बोला भैया एनएसीएल के मॉलिक्यूल है या एनए बेसिकली मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है

यहां पे जो नॉन मेटल्स के डिफरेंट एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे जैसे अगर मैं आपको सरल सा एग्जाम्पल यहां पर देके समझाऊं तो इसका जो एक सरल सा एग्जाम्पल होगा वो होगा एनए अब ये कटायन होगा या यानायन की तरह एग्जिस्ट करेगा लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये देखिए नॉन मेटल से मिलकर बनाए मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा ठीक है पॉइंट को समझिए मेरे प्यारे बच्चों छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में डिटेल में क्लास टेंथ में भी चर्चा होगी चैप्टर थ्री चैप्टर फोर तो ये नॉन मेटल से बनते हैं मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ये मेटल और नॉन मेटल ये मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं आयजिस्ट करते हैं एन वन प्लस सीएल वन माइनस एन ए वन प्लस सीएलस ठीक है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब इसको समझने के लिए एक सरल सी एनोलॉजी भी मैं आपको देता हूं सरल सी एनोलॉजी क्या दे रहा हूं जैसे हमने सेम तरीके के एटम से एक लाल कलर की दीवार बनाई थी और उसको हमने क्या कहा कि जो एक छोटी ईट है हमारी वो एक एटम के समान है और जो लाल ईटों की पूरी दीवार है वो एलिमेंट के समान है सिमिलरली अगर मैं डिफरेंट तरीके की ईटों से दीवार बनाऊं लाल ईट काली ईट लाल ईट कालीट डिफरेंट का तरीके की ईंटों से बनाऊं तो यहां पर जो मेरी दीवार बनेगी वो कंपाउंड कहलाएगी ठीक है ना ये देखिए यहां पे रेड ब्रिक जो होगी आप उसकी एनालॉजी लीजिए कि वो वन टाइप ऑफ एटम है वन टाइप ऑफ एटम्स है उसके बाद जो आपकी ब्लैक ब्रिक होगी अब बच्चे कह रहे हैं कि हमको रंग अलग अलग कलर की बनानी है अपने का बना देंगे ये सेकेंड टाइप ऑफ आपकी सेकेंड टाइप ऑफ एटम हो गया तो जो आपकी वॉल हो गई दोस्तों अब वो एलिमेंट नहीं अब वो कंपाउंड कहलाएगी तो ये सरल सा डिफरेंस है कि जब हमने लाल ईट यानी जो लाल ईटों से दीवार बनाई थी सॉरी लाल ईटे थी तो वो जो दीवार कहलाएगी वो एलिमेंट कहलाएगी हमने एनालॉजी ली थी समझा था उससे सिमिलरली अगर हमने डिफरेंट तरीके की ईटों से दीवार को बनाया तो वहां पे जो दीवार बनेगी ये बेसिकली कहलाएगी हमारा कंपाउंड ठीक है समझ में आ रही है बात सभी को क्लियर हो रही है बात क्लियर हो रही है बात चलो लेट्स प्रैक्टिस अब एक सवाल प्रैक्टिस करो आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज द कंपाउंड एंड कंजिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ भाई सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा हर जगह जहाँ पर भी जैसे अभी उड़ान वाले बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस तो बेटा उड़ान में आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर तक एंड हो जाएगा ज़्यादा ज्यादा रिविजन होगा पिछली बार वाले बच्चों से आपने फीडबैक अगर लिया होगा तो उनने आपको बताया होगा कि मल्टीपल रिविजन क्लासेज हुई थी पेड बैचेज में भी यूट्यूब पे भी तो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया गया था और एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो सिलेबस से हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आया हो है ना आपको बस विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं विश्वास की जीत होती है जीत तो विश्वास की होती है भैया ज अंपाउंड देखिए इनमें से कंपाउंड भी है एंड कंजिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाओ सबसे पहले आप यहां लिखो कंपाउंड एंड अब यह बोल रहा है कंजिस्ट ऑफ मोलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा है इसका मतलब ये शत प्रतिशत कोवेलेंट की बात कर रहा है कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहा है यानी आपको नॉन मेटेलिक कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा आइए ढूंढते हैं क्लोरीन गैस सीएल अब भाई ये कंपाउंड है क्या क्लोरीन गैस Cl2 ये एलिमेंट हुआ ना कंपाउंड तो है ही नहीं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड नहीं है ये क्या है इट एग्जिस्ट एज या कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वाटर एच टू क्या वाटर कंपाउंड है डिफरेंट तरीके के आइटम से मिलकर है डिफरेंट तरीके के आइटम से मिलकर है हाँ जी क्या यहां पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंसिडर होगा हाँ देखिए मॉलिक्यूल कंसीडर करने के लिए दो या दो से ज्यादा आइटम होने चाहिए अगर वो सेम होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अगर डिफरेंट होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लेकिन कंपाउंड में भी अब दो तरीके का कंपाउंड है आयोनिक और कोवेलेंट आयोनिक वाले आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं और कोवेलेंट वाले मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं तो क्या ये कोवलेंट है मैंने आपको बताया था कोवेलेंट जो होते हैं नॉन मेटल से बनते हैं तो इसका सरल सा जवाब क्या है हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल यस yes, ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा नाइट्रोजन गैस भाई ये कंपाउंड तो है ही नहीं ना ही यह मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा ये एलिमेंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट करेगा सोडियम क्लोराइड अब बच्चे कहेंगे सुनील भैया ये तो आपका कंपाउंड है हंड्रेड परसेंट कंपाउंड है पर क्या यह कोवेलेंट कंपाउंड है नहीं कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट मॉलिक्यूल यह एग्जिस्ट करेगा इसका आंसर यहां होगा नहीं क्योंकि सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज आयंस कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा आयंस की तरह एग्जिस्ट करता है आयोन्स की तरह एग्जिस्ट करता है आयोनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता है कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करता है सिंपल पहचानने का तरीका अभी अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो सिंपल पहचानने का तरीका यह है यह दोनों नॉन मेटल्स है यह आपका कोवेलेंटली यह मेटल है और यह नॉन मेटल है इसका मतलब यह आयोनिक कंपाउंड है ठीक है ठीक है समझ में आ गई बात चलो अब लास्ट चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे क्लास टेन चालू करने से पहले राइटिंग केमिकल फॉर्मूला अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो मिनट का ब्रेक दे देता हूं टू मिनट्स का एक ब्रेक है ठीक है एक टू मिनट्स का मैं आपको ब्रेक दे देता हूं बेटा ठीक है और इस दो मिनट के ब्रेक के बाद मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों के साथ फिर से इस जर्नी को स्टार्ट करूंगा यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला एक बार हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख गए तो हमें सब कुछ आ गया तो उसको सीखेंगे फटाफट से तो बस आप लोगों के लिए दो मिनट का एक ब्रेक है प्लीज ब्रेक ले लीजिए और फिर हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको ठीक है हाँ भाई वापस आ, आ गए सारे के सारे आ जाओ चैट बॉक्स के अंदर आ जाओ सारे के सारे जल्दी से सारे के सारे प्यारी प्यारी प्यारे प्यारे बच्चे चैट बॉक्स में आ जाएंगे फटाफट से आ जाएंगे चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से दोस्तों जल्दी से आ जाएंगे चैट बॉक्स के अंदर चैट बॉक्स में आ जाएंगे हाय 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 बहुत बढ़िया 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 चलो चालू करें चालू करें दोस्तों ठीक है क्या वॉट इज रेडी अरे रेडिकल यार अभी तुमको समझाने जाएंगे तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा रेडिकल को मतलब ऐसा समझो कि आ, कोई भी ऐसा एटम मान लो या कोई भी आयन या मॉलिक्यूल कोई भी ऐसी एक पर्टिकुलर स्पीशी जिसके पास अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो अब अनपेयर्ड के लिए पहले पेयरिंग समझानी पड़ेगी है ना तो वो इसीलिए अभी यहां पे कंसिडर नहीं किया अपन ने ये चीज अपन आईसीएससी में पढ़ाते हैं जब आईसीएससी में आते तो वहां पढ़ाते हैं है ना आईसीएससी वाले तो इस टर्म को क्लास एट्थ में ब्रेक डाउन करके भी पढ़ाते हैं जैसे अपन ने जो पॉलिटो में गायन पढ़े ना उसको उसी फॉर्मेट में भी लेके पढ़ाते हैं ठीक है अर्थाव वो था एक गलत डेफिनेशन हो जाती है चलिए कोई दिक्कत नहीं हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला आप केमिकल फॉर्मूला लिखने के क्या क्या रूल्स है मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना आ जाओ सो इन केस ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स सिंपल का मतलब क्या हो गया दोस्तों एक एक तोड़ तोड़ के समझाऊंगा सिंपल का मतलब हो गया बाइनरी बाइनरी का मतलब हो गया कि यहां पे टू एलिमेंट्स की बात मैं कर रहा हूं कितने एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं टू एलिमेंट्स की बात मैं कर रहा हूं तो केस ऑफ इन केस ऑफ सिंपल यानी बाइनरी बाइनरी का मतलब हो गया कि सिर्फ दो एलिमेंट यहां पर इन्वॉल्वड होंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का मतलब हो गया कि यहां पे कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही होगी कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही होगी मतलब सारे के सारे जो दोनों एलिमेंट्स होंगे ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो दोनों के दोनों नॉन मेटल होंगे नॉन मेटल होंगे तो इन केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स यानी binary, यानी बाइनरी बाइनरी का मतलब कि दो एलिमेंट्स और दोनों के दोनों नॉन मेटल द केमिकल सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटर्न साइड बाय साइड एंड देयर वैलेंसीज आर रिटर्न अंडर देम तो सबसे पहले काम करते हैं यहां लिख देंगे केमिकल सिंबल ठीक है और उसके बाद उनकी लिख देंगे वैलेंसी, ठीक है अब यहां पे केमिकल सिंबल किसका है मैं ले लेता हूं वाटर के लिए तो ये हो जाएगा एच केमिकल सिंबल मैंने आपको बताया था हमेशा केमिकल सिंबल एक एटम को बताता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम को दर्शाता है केमिकल सिंबल है ना हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता केमिकल सिंबल एच है ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता केमिकल सिंबल ओ है बेटा समझना तो यहां पे आप केमिकल सिंबल लिख रहे हो आप ये नहीं लिख रहे कि ये कैसे रिएक्ट कर रहे थे एच टू प्लस नहीं लिखना चाह रहे अपन अपन बता रहे हैं H2O कैसे बना तो हाइड्रोजन का का केमिकल सिंबल, का केमिकल सिंबल सिंबल ऑक्सीजन और वैलेंसी निकालेंगे तो केमिकल फॉर्मूला किसका लिखना चाह रहे हैं अपन वो भी लिख देता हूं ये मिसकंसेप्शन भी क्लियर करूंगा आपको आप केमिकल फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं वॉटर का और वॉटर जो है ना बेटा ये कॉमन नेम है जो आपको पता है केमिस्ट्री की भाषा में H2O जो आपका फॉर्मूला बनता है उसका नाम डायहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है प्रॉपर अगर टर्मिनोलॉजीज़ में नाम लिया जाए आयोपैक नेम जो इसका है आयोपैक नेम जो प्रॉपर नामकरण है वो ये नहीं है डायहाइड्रोजन डायहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसके सेट ऑफ नॉम के रूल्स हैं, बताए जाएंगे टेंशन मत लीजिए एक ही बार में सब नहीं डाइजेस्ट होगा तो वाटर एक कॉमन नाम है जो आम जनता को समझ में आता है लेकिन टेक्निकल नाम लोग आपको हमेशा बोलेंगे टेक्निकल नाम भी वाटर है अरे नहीं भैया वाटर नहीं है टेक्निकल नाम टेक्निकल नाम है डायहाइड्रोजन मोनॉक्साइड आगे चलते हैं तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले केमिकल सिंबल को लिखना होगा फिर वैलेंसी को अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रॉन है है ना और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं छह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी तो वन ही हो जाएगी यहां पे आप वन लिख देंगे अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी अगर छ है तो अगर है तो मैंने आपको बताया था आठ माइनस छ दो तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी वैलेंसी हो जाएगी दो सरल सी बात पहला स्टेप समझ में आया बेटा अगर मैं सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाता हूं यानी कि बाइनर यानी दो एलिमेंट ये एक एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट दोनों के दोनों नॉन मेटल यानी कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं तो इसके अंदर आपको इनके केमिकल सिंबल्स को लिखना होगा इसके नीचे इनकी वैलेंसीज़ को लिखना होगा दूसरा स्टेप बताओ सुनील भैया दूसरा स्टेप क्या है तो पहले यहां पर लिख लेते हैं भैया पहला स्टेप क्या था केमिकल सिंबल वैलेंसी ठीक है केमिकल सिंबल था दोस्तों एच इसका था ओ इसकी वैलेंसी थी वन इसकी वैलेंसी थी टू अब दोस्तों ये क्या बोलता है इसको सुनिएगा ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस दैट इज क्रॉस ओवर द वैलेंसी सो दैट दे अपियर ऑन द लोअर राइट एंड साइड ऑफ द सिंबल्स ये आप इसको क्रिस करिए और इसको क्रॉस करिए तो ये कह रहे वेलेंसी है ये इसके नीचे लोअर राइट एंड साइड इस सिंबल के लोअर राइट एंड साइड नीचे और राइट एंड साइड लोअर राइट एंड साइड पे दिखेगी हाउ एवर इफ द क्रॉस ओवर वेलेंसी इज वन वन को यूजली हम नहीं लिखते हैं इट इज नॉट रिटन ऑन द लोअर राइट एंड साइड ऑफ द सिंबल्स एंड इज ओमिटेड देखिए यहां पे टू जाएगा और यहां पे वन जाएगा तो क्या होगा ये कह रहे हैं कि अगर आप ये एच लिखेंगे तो ये जो टू है इसके लोअर राइट ये राइट साइड और लोअर यानी नीचे इधर लिख दिया फिर लिखा ऑक्सीजन अब इसके नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है ये लिखना की जरूरत नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया एच हो गया सिंपल सी सरल सी बात आगे चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देते जाओ आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देते हो हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फाइड चैट बॉक्स में आंसर 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 इसका नाम लिखने का भी तरीका है भैया ऐसे नहीं लिखते केमिस्ट्री बहुत लॉजिकल है अब यह बताने के लिए भी हमें एक सेशन चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड ही क्यों है हाइड्रोजन सल्फाइड ही इसमें कारण ऐसा नहीं कि बिना कारण के कारण है इसमें ठीक है आप देखो आपको क्या करना है दो एलिमेंट है दोनों के दोनों नॉन मेटल है यानी सिंपल मॉलिकुलर कंपाउंड है सबसे पहले केमिकल सिंबल लिखना है केमिकल सिंबल वैलेंसी केमिकल सिंबल वैलेंसी ठीक है इधर हो जाएगा हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल क्लोरीन का केमिकल सिंबल हाइड्रोजन की वैलेंसी वन क्लोरीन की वैलेंसी वन दोस्तों चुपचाप कर दो क्रिस और चुपचाप कर दो क्रॉस अब देखो वन वन है तो लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला बन गया एच सी एल इंपॉर्टेंट बात अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है तो ये नाम होता है लेकिन अगर यही एच के आगे एक्वस लिखा हुआ है यानी पानी में डिजोल्व कर दिया आपने इस गैस को तो इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है इसके नामकरण के रूल्स है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है यही चीज पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा यही चीज आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है व्हेन दिस दिस डिजोल्व इन वाटर डिजोल्व इन वाटर पॉइंट समझ रहे हो क्या अगर यही एच गैस पानी में डिजोल्व करती है मेरे प्यारे बेटा तो वह HCl एक्वस एक्वस मतलब पानी में घुल गया तो इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब ये हाइड्रो एसिड इसके नामकरण के भी रूल्स है पढ़ेंगे लेकिन अभी एक सेशन में इतना घटक लेंगे तो भैया दिमाग फटक जाएगा बिल्कुल सही बात फॉर्मुला आ गया हाँ जी भैया अब देखो इसको समझते दोस्तों इधर हाइड्रोजन सल्फाइड में लो भैया हाइड्रोजन सल्फर का एस वेलेंसी दोस्तों एक इसकी है दो इसकी दो कैसे ही? दो कैसे ही देखो अटोमिक नंबर सल्फर का सोलह दो आठ और छह तो जब आया आउटर मोस्ट में आया छह इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी हो गई आठ माइनस छ इसका मतलब दो काम खत्म इसकी वैलेंसी दो अब लगाएंगे कीरिस का कीरोस क्रिस क्रॉस तो ये वैलेंसी लोअर राइट हैंड साइड यानी ये नीचे राइट साइड पे यहां अपियर होगी ठीक है सिंपल सी बात तो ये हो जाएगा एच ये नीचे जाएगी टू और ये एस वन लगाने की जरूरत नहीं होती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो जाएगी समझनाया सुनील भी इसका भी एसिड बन सकता है क्या बिल्कुल पानी में डिजल कराओगे एसिड बन जाएगा चलो आगे चलते दोस्तों अब कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नॉन मेटल कार्बन ऑक्सीजन अमोनिया यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बन रही है चलो आ जाओ फटाफट से फटाफट से, से केमिकल सिंबल ठीक है उसके बाद वैलेंसी केमिकल सिंबल उसके बाद वेलेंसी तो दोस्तों केमिकल सिंबल लगा लेते हैं इधर 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 और इधर अब देखिए यहां कार्बन ऑक्सीजन अमोनिया में होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये कॉमन नाम है भैया ये नाम भी क्या है कॉमन नेम है कॉमन नेम आयोपैक नेम पता है क्या है जो टेक्निकल भाषा का नाम है इसका वो क्या है वो है नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड इसके रूल से बेटा अमोनिया आम जनता की भाषा के लिए टेक्निकल नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है इसकी वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास चार इसकी वैलेंसी कितनी होगी दो कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको बोला था अगर आउटर मोस्ट में एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी देखो कार्बन का ये कार्बन कार्बन का अटोमिक नंबर कितना होता है छह होता है ये दो और ये चार बात खत्म अगर आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होंगे चार वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में लेके आओ क्रिस क्रॉस करो क्या बनेगा दोस्तों सी ओ टू ठीक है नाइट्रोजन की वैलेंसी आउटर मोस्ट में कितने पांच इलेक्ट्रॉन होंगे है ना इसमें कितने होंगे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होंगे के और एल तो ये दो और पांच तो आउटर मोस्ट में अगर पांच है तो वैलेंसी कितनी होगी आठ माइनस पांच मतलब वैलेंसी होगी तीन यहां लगा दी तीन हाइड्रोजन की वैलेंसी वन ये क्रिस क्रॉस एन एस थ्री ठीक है बेटा आप ही जो बेरियम हाइड्रोक्साइड की बेसिकली बात कर रहे हो ना बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑक्टाहाइड्रेट ये एट एच टू वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ठीक है ना ये अपन पढ़ेंगे आपके क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर टू के अंदर ठीक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर के मॉलिक्यूल जो एक पर्टिकुलर सॉल्ट को क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दे देते हैं समझ रहे हो इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन भी दूंगा आपको है ना इसमें एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की अपन बात करेंगे वही पूछ रहे हो ना अटोमिसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अगर हम मॉलिक्यूल की, की बात करें तो अटोमिटी अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी एक चार तो ये हो गई. ठीक है ठीक है पहले एक बार फटाफट आए भैया लिख दो चैट बॉक्स में तभी मैं खत्म करूंगा आगे लेके जाऊंगा इसके बाद आए भैया लिख दो फटाफट चैट बॉक्स में आए भैया फुल टू द चैट बॉक्स आए भैया फुलटो सेंटू द चैट बॉक्स आए भैया फुलटो सेंटू द चैट बॉक्स चलो अब एक छोटी सी चीज तुमको समझाना चाहते हैं छोटी सी चीज ज्यादा बड़ी बात नहीं बताएंगे छोटी सी बात बताएंगे मेटल नॉन मेटल के बारे में देखो बेटा ये पीरियोडिक टेबल में जैसे ये बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम है ना एंटीमोनी ये टेलोरियम को तो नहीं कंसिडर करते है ना लीस्ट फ्रिक्वेंटली कंसिडर्ड मेटोलॉइड तो ये मैटेलॉइड है मेटेलॉइड है ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं कुछ नॉन मेटल की शो करते हैं अब इन मेटेलॉइड के अगर इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपको नॉन मेटल्स मिलने वाले हैं और सबसे आखिरी में आपको मिलने वाली है नोबल गैसेस और अगर आप इसके इस तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाले हैं मेटल्स मिलने वाले हैं कुछ कॉमनली नोन मेटल्स जो आपको पता है जैसे कि आपके आपको हो पता होगा सोडियम पता होगा पोटेशियम पता होगा कैल्शियम पता होगा मैग्नीशियम पता होगा लिथियम पता होगा बेरिलियम पता होगा ये सारे मेटल्स पता होंगे है ना एल्यूमिनियम पता होगा नॉन मेटल्स में आपको पता होगा भैया कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन क्लोरिन है ना फॉस्फोरस ये कॉमनली नोन नॉन मेटल्स पता होंगे अभी तक का जो गेम चल रहा था नॉन मेटल नॉन मेटल का गेम चल रहा था लेकिन अब मेटल नॉन मेटल का अगर मिलाप होता है तो बनता है आयोनिक कंपाउंड उसके लिए क्या करना है आइए देखते हैं ठीक है आ जाओ तो केस ऑफ सिंपल सिंपल का मतलब क्या हो गया सिंपल का मतलब फिर से हो गया बाइनरी मतलब कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे आयोनिक का मतलब क्या हो गया कि यहां पे मेटल्स एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा ठीक है सिंपल आयोनिक कंपाउंड यानी कि एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा एक कटायन बनाएगा एक अनायन बनाएगा ये सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं सो दैट इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ मोनो मोनोअटोमिक आयोन्स द सिंबल मोनोटॉमिक समझ रहे हो ना भाई अबे अरे 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 क्या बोलना चाह रहे हैं सुनील भैया अब ये बोलना चाह रहे हैं सुनील भैया अब ये बोलना चाह रहे हैं सुनील भैया क्या बोलना चाह रहे हैं सुनील भैया ये ये देख के तो क्या डर लगता है अरे यार अरे यार भैया यार इतनी सारी चीजें लिख दी यार समझ में नहीं आ रहा यार अब यार भैया यार क्या यार समझ में नहीं आ रहा है तो देखो क्या करना है इन केस ऑफ इन केस ऑफ इन केस ऑफ इन केस ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड सिंपल का मतलब होगा कि भैया दो एलिमेंट ठीक है और दो एलिमेंट यानी बाइनरी दो एलिमेंट और का गा, गा बढ़िया ये देखो भैया ये कह रहे हैं मेरे से तो बात नहीं करते अरे यार भैया यार इधर देख लो यार बात बात छोड़ो यार ठीक है तो ये किससे बने होते मोनोअटोमिक आयन से बने होते हैं मोनोटोमिक आयन का मतलब क्या हो गया दो एलिमेंट इन्वॉल्व है ना ये एक आयन बनाएगा ये दूसरा आयन बनाएगा तो मोनोटॉमिक आयन हुए ना पॉइंट समझ रहे हो सिंपल आयनिक कंपाउंड में दो एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे एक आयन ये बनाएगा एक आयन ये बनाएगा तो एक आयन के ऊपर चार्ज दूसरे आयन के ऊपर चार्ज मोनोअटोमिक आयन हुए ना मैंने मोनोवेलेंट कटाइन मोनोवेलेंट एनाइन नहीं बोला मैंने कहा मोनो एक एटम के ऊपर प्लस वन भी हो सकता है प्लस प्लस भी भी हो सकता है, भी हो सकता सकता है 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 ना plus plus plus, minus minus minus, ऐसा बोला मैंने सिंबल ऑफ द मेटल एटम विच फॉर्म्स इज रिटर्न फर्स्ट फॉलोड सिंबल ऑफ द नॉन मेटल एटम विच फॉर्म्स द अनायन द चार्ज फॉलोड बाय द वैलेंसी ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिटन बिलो देयर सिंबल्स चार्ज के नीचे वैलेंसी भी लिखी जाएगी एक सरल सा एग्जाम्पल में यहां पर आपके समक्ष रखना चाहूंगा सबसे पहले बात करेंगे यहां पर सोडियम क्लोराइड की आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पर इसको समझिएगा अभी तक आप सिर्फ रट रहे हैं कंसेप्ट नहीं समझ रहे कंसेप्ट को समझिएगा तो सबसे पहले आपने लिखेंगे इनके केमिकल सिंबल्स सोडियम क्लोराइड के बनने के लिए हमें किसकी जरूरत है ठीक है सोडियम क्लोराइड के बनने के लिए केमिकल सिंबल में भैया हमें सोडियम चाहिए यार दोस्तों मेटल और नॉन मेटल हमारे पास क्लोरीन है ठीक है बहुत बढ़िया अब इस पे चार्ज क्या आएगा और इस चार्ज का जस्ट मैग्नेट्यूड क्या होगा वो उसकी वैलेंसी होगी बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना ठीक है अब देखिए सोडियम के पास क्या है सोडियम जो है एल एम ये क्या करेगा टू एट वन मैंने आपको बताया था ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और क्या बन जाएगा लूज और ये क्या बन जाएगा एन ए वन प्लस अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है टू एट सेवन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाएगा आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्लोरीन को यही एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए क्लोरीन अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले लूज एन इलेक्ट्रॉन यही इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले गेन्स दिस तो ये क्या बना लेगी Cl1 है ना ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी क्लोरीन तो इसके पास तो आठ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएंगे इसके पास कितने हो जाएंगे ये एक लूज कर देगा तो इसके पास भी आउटर मोस्ट में आठ हो जाएंगे समझ रहे हो दोस्तों समझ में आ रही है मेरी बात हाँ जी भैया बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है बहुत मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रही बात तो चार्ज क्या हो जाएगा वन प्लस यहां कितना हो जाएगा वन माइनस यहां पे इंबैलेंस कैसे क्रिएट हुआ अब इसके पास दस इलेक्ट्रॉन है ग्यारह प्रोटॉन है इसके पास अट्ठारह इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन के पास और सत्रह प्रोटॉन होंगे इसीलिए वन माइनस का चार्ज आएगा तो वैलेंसी इज जस्ट द मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड वन इसका मैग्नीट्यूड वन क्रिस क्रॉस ये थोड़ी देर पहले भी क्लियर किया था मैंने फॉर्मुला बनेगा एनएससीएल बात खत्म ठीक है चलिए आगे चलते हैं समझ में आ रही है बात क्लियर है चलिए इसको करिए फटाफट से अब यहां पे देखिए क्रिस क्रॉस मैंने पहले ही कर दिया था तो यह स्टेप की जरूरत है नहीं आपको क्रिस क्रॉस मैंने पहले ही आपको करके दिखा दिया एनएसीएल लिखा क्रिस क्रॉस कर दीजिए अब मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड फटाफट से करेंगे जल्दी से मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड फटाफट से करेंगे केमिकल सिंबल चार्ज वैलेंसी केमिकल सिंबल चार्ज वैलेंसी ठीक है अब मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर हमको क्या करना होता है दोस्तों मेरी बात को गौर से सुनिएगा देखिए मैग्नीशियम क्लोरीन मैग्नीशियम क्या करेगा ध्यान से देखिए मैग्नीशियम क्या करेगा आप ये मैग्नीशियम और ये क्लोरीन इसका अटोमिक नंबर 12 है तो 282 इसका है 287 पॉइंट समझ रहे ये इस दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है और ये लूज कर लेगा तो इसके पास आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे स्टेबल हो जाएगा विल लूज ठीक है और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी विल गेन एन इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल हो जाएगी है ना तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स है ना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन को देगा दो क्लोरीन क्लोरिनटम आ जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगी दूसरा क्लोरीन आइटम दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा ले क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आउटर मोस्ट में आठ ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी दूसरी क्लोरीन आइटम दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी खुश अभी चार्ज एक मैग्नीशियम एटम पे कितना है वो समझिए एक मैग्नीशियम एटम जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है टू प्लस का एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो चार्ज आता है वन माइनस का मैग्नीट्यूड क्या है टू इसका क्या है वन एमजीसीएल टू इसका सरल सा मतलब क्या है कि एक मैग्नीशियम को दो क्लोरीन एटम की जरूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक को देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा कुछ सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यहां पे आप लगाएंगे फटाफट से क्या कैल्शियम यहां आप लगाएंगे ऑक्सीजन इस पे चार जाएगा ये इलेक्ट्रॉन दो लूज करने की टेंडेंसी रखती है ये दो गेन करने की टेंडेंसी रखती है मैग्नीट्यूड हो जाएगा टू और टू सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा वन और वन टू से टू कट जाएगा ना सिंपलेस्ट होल नंबर वैल्यू क्या आएगी ये आएगी फॉर्मूला हो जाएगा सी ए काम खत्म ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड कॉमन नेम क्विक लाइम या फिर बर्नट लाइम आई होप आपको समझ में आया ये आपके होमवर्क है एल्यूमिनियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला आपको लिखना है आगे चलते हैं चलिए अब देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे थे सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स तो जो आयंस थे मोनो ऑटोमिक आयन थे मैग्नीशियम एक एटम है उसके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज है क्लोरीन एक एटम है उसके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज है एक एटम पे ओवरऑल चार्ज एक एटम पे ओवरऑल तो? चार्ज लेकिन पोलियोटॉमिक एटम्स आ जाए तो यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज और फिर फॉर्मूला बनाना हो पॉलियोटोमिक एटम्स वाला तो कैसे बनेगा तो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग पॉलिओटोमिक आयंस द फॉर्मुला ऑफ पोलियोटॉमिक आयन इज रिटन इन ब्रैकेट एंड द चार्ज एंड एंडलेंसीज आर रिटर्न बिलो देअर सिंबल्स ठीक है ना तो जो फॉर्मूला है इज रिटन इन द ब्रैकेट एंड द चार्ज एंड द वैलेंसीज आर रिटर्न बिलो देअर सिंबल्स ठीक है चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट अब ये अगर आप देखेंगे तो कार्बोनेट जो है बेसिकली पॉलीअटमिक आयन बनेगा पॉलीअटमिक आयन और उसमें भी आयन कौन सा है ये अनायन बनेगा और ये कैसा है ये मोनोअटोमिक बनेगा कैल्शियम के ऊपर क्या है मोनोअटोमिक आयन ये कटायन बनेगा ठीक है सिंपल सिंपल चीजें बेटा सबसे पहले लिखेंगे केमिकल सिंबल फिर लिखेंगे क्या फिर लिखेंगे उसका चार्ज और फिर उसके नीचे लिखेंगे उसकी वैलेंसी ठीक है बेटा तो जल्दी से आ जाइए कैल्शियम और कार्बोनेट तो ये कैल्शियम कार्बोनेट चार्ज टू प्लस कार्बोनेट का चार्ज टू माइनस सुनील भैया की फोन ट्रिक से कैलकुलेट करना है आपको ये ओनली द मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा कट कर दीजिए क्रिस, क्रॉस सी ए थ्री इसका कॉमन नेम क्या होता है कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं कॉमन नेम यानी जो आम जनता को समझ में आता है यह नाम वो है इसका नाम मार्बल चौक लाइमस्टोन. ये इसके कॉमन नेम्स है कुछ आई होप आपको याद रहेंगे ठीक है समझ में आ रही है बात तो अभी ये वाला जो आयन है यह पॉलीअटोमिक आयन है और ये मोनो ऑटोमिक है पहले क्या हो रहा था कि सिंपल आयनिक कंपाउंड था एक एक एटम ये एक एलिमेंट का एक एटम था दूसरे एलिमेंट का एक एटम था इस पे कुछ चार्ज था इस पे कुछ चार्ज था और ये कंबाइन कर रहे थे अब यहां पर पॉली ऑटोमिक यानी दो या दो से ज्यादा एटम पे ओवरऑल चार्ज है उसके बेसिस पे बना रहे हैं ठीक है ठीक है भैया क्रिसमस वाला पार्ट मैंने बताई दिया अब फटाफट से हम लोग क्या बनाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाते हैं केमिकल सिंबल चार्ज वैलेंसी, ठीक है बेटा केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट चार्ज वन प्लस वन माइनस वन प्लस का चार्ज होगा ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा देखिए कैसे ये पोटेशियम के एल एम और एन ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा वन ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा लूज इज दिस जब इसको लूज कर देगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा वन प्लस का ओवरऑल चार्ज आ जाएगा क्योंकि तो आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे फिर आठ हो जाएंगे नाइट्रेट का ओवरऑल चार्ज आप मेरी ट्रिक से निकालेंगे जो मैंने आपको सिखाया था तो वन और वन मैग्नीट्यूड जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड दैट इज द्रॉस किया के एन ओ थ्री बन गया अरे समझ में आ रही है बात तो हमने क्या किया सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट में उसका केमिकल सिंबल लगा के इसका लिखा एनओ थ्री चार्ज इस पे वन प्लस इस पे वन माइनस मैग्नीट्यूड जस्ट द मैग्नीट्यूड यानी जस्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज वन क्रॉस सोडियम सल्फेट की बात करते हैं दोस्तों केमिकल सिंबल फिर उसके बाद बेसिकली हमारे पास है चार्ज फिर उसके बाद बेसिकली हमारे पास है वैलेंसी। ठीक है आइए सोडियम सल्फेट ये एन फोर। ये सोडियम के ऊपर चार्ज वन प्लस इसके ऊपर होता है टू माइनस इसका मैग्नेटिड यानी वैलेंसी वन इसकी हो जाएगी टू ये क्रिस ये क्रॉस ये बनेगा एन ए टू एसओ चलिए और बनाते हैं लेड नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, है ना लेड नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं तो आइए फटाफट से देखते हैं केमिकल सिंबल क्या है केमिकल सिंबल चार्ज वैलेंसी केमिकल सिंबल चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं मैं आपके चैट बॉक्स के आंसर्स देखता हूं देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बहुत बढ़िया बहुत बच्चे गलत भी दे रहे हैं हैं कुछ बच्चे सही भी दे रहे देखिए लेड हो गया नाइट्रेट हो गया NO3। अब लेड लेड के ऊपर अभी जो अपन कोर्स में पढ़ रहे हैं नाइट्रेट यहां पर जो हम कोर्स में पढ़ना चाह रहे हैं दैट इज लेड टू इसकी जो वैलेंसी है पीबी टू प्लस वाली की बात कर रहा हूं मैं मेरी गलती की मैंने लेड नाइट्रेट लिखा लेड टू नाइट्रेट लिखना चाहिए था आपको तब समझ में आता ये जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट लेड टू नाइट्रेट ठीक है बेटा यानी टू प्लस वाली वैलेंसी इसकी प्लस प्लस वाली वैलेंसी भी हो सकती है वाला चार्ज यानी वैलेंसी भी हो सकती है टू प्लस नाइट्रेट का आप कैलकुलेट कर लेंगे वन माइनस मैग्नेटोट इज टू मैग्नेटोट इज वन क्रिस एंड क्रॉस अब देखिए ये टू कैसे लगेगा ये देखो नाइट्रेट पे ब्रैकेट बनाना भाई पूरे पे और होल ब्रैकेट पे टू लगाना इस तरीके से लिखना लेड नाइट्रेट ठीक है सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो अमोनियम कैसे होगा NH4 हाइड्रोक्साइड इज OH इस पे चार्ज होता है प्लस इस पे होता मैग्नेट्यूड वन और वन क्रिस और क्रॉस मार दो क्या हो जाएगा एनएच फोर OH हो जाएगा काम खत्म ओवर ये होमवर्क है तुम्हारा बट बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ये होमवर्क है तुम्हारा ठीक है ना ये भी होमवर्क है एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम सल्फाइट होमवर्क है और होमवर्क नोट करो कंसर्ट पॉलिश होमवर्क और होमवर्क नोट करो ये सवाल भी होमवर्क है फटाफट से देख लो एन आयन एक्स टू माइनस कंटेन्स एटीन इलेक्ट्रॉन्स व्हाट विल बी आल्सो आइडेंटिफाई एलिमेंट ये होमवर्क है एलिमेंट इज ट्राइवल होमवर्क ठीक है तो भाई इस प्रकार पे हमने अपने सेशन को कर दिया है अब अंत बहुत कोशिश करिए कि आप लोगों को बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो आपको एटम से मैंने जर्नी को स्टार्ट करवाया कि भैया एटम क्या होता है

तो ये होता है Pb2+ टू प्लस एंड पीबी फोर प्लस होता है ठीक है ना तो ये होता है प्लंबस और प्लम्बिक ठीक है प्लम्बस और प्लम्बिक होता है ठीक है तो आई होप बेटा मैं आप लोगों की सारी चीजें क्लियर कर पाया हूं बस अब अच्छे से इन सारी चीजों को आप लोग रिवाइज करिए है ना और फिर तो मिलते हैं भाई बैचेस में अपन मिल ही रहे हैं यूट्यूब पे अपन मिल ही रहे हैं तो आराम से बातें होंगी मुलाकात होगी आप लोगों से चर्चा भी होगी आप लोगों की दिक्कतें भी सुनी जाएंगी और आप लोगों की दिक्कतों को रिजॉल्व भी किया जाएगा ठीक है तो बस खुद पे विश्वास रखो मैंने हमेशा कहा है तीन चीजों पे विश्वास रखना है तो खुद पे एक माँ बाप पे और एक परमात्मा पे तीन चीजों पे विश्वास रखोगे तो तुम्हें कभी कोई हरा नहीं सकता ठीक है तो ऑलवेज हैव फेथ इन थ्री थिंग्स बाकी तो सब बढ़िया हो ही जाता है लाइफ में ठीक है तो इस बात के साथ करते हैं सेशन को यहीं पे एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला जय हिंद जय भारत वंदे मातरम